हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू टारगेट एकेडमी परिवार में। मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूँ। आज जो है पार्ट नंबर 4 और समय और कार्य का जो टॉपिक चल रहा है उसके मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। 50 क्वेश्चन में बना चुका हूँ दोस्तों। 50 के बाद में आज जो है 51 नंबर का क्वेश्चन है। और आपको मैं बता दूँ, ट्रिगी मैथमेटिक्स से मैं सारे प्रश्न सॉल्व करवा रहा हूँ। यदि आपके पास ट्रिगी मैथमेटिक्स बुक्स है तो बिल्कुल जो है आप उससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं और सारे इंडिविजुअल क्वेश्चन मेरे द्वारा करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप बने रहिए वीडियो के साथ में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। यदि एक बार आपने टाइम एंड वर्क यदि मेरे से पढ़ लिया तो आपको जो है दोबारा कभी अगर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल जो है आपके बनेंगे। और सबसे मस्त ट्रिक बता रहा हूँ, सबसे शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, तो बिल्कुल आप एक बार इस ट्रिक को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका जो है अच्छे से कॉम्पिटिशन क्लियर हो सके। तो देखिये आज 51 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। 51 ट्रिगी मैथमेटिक्स सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 51 नंबर का प्रश्न, 51 में देखें प्रश्न क्या बोल रहा है। 6 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं यदि उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद 3 आदमी और काम में सम्मिलित हो जाए तो शेष काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो शेष काम 6 आदमी किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद 3 आदमी और कार्य में सम्मिलित हो जाए। तो देखें आप 6 आदमी एक कार्य उसे कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में। तो 12 दिन में कर सकते हैं यदि 3 दिन बाद 3 आदमी और कार्य में सम्मिलित हो जाए तो शेष काम को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। दोस्तों इसके लिए एमकेडी अपन यूज कर सकते हैं, एमकेडी एक फॉर्मूला होता है उससे भी अपन कर सकते हैं एमकेडी, या ऐसा भी कर सकते हैं इनको एक दिन में वर्क करवा लें। 6 आदमी रोज 12 दिन तक आएंगे तो 6 × 12 कर दें तो कितना हो जाएगा, 1272, मतलब ये टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, 72 वर्क हो गया। जैसे अपन एलसीएम लेते हैं ना उसी टाइप से हम इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 × 12 तो कितना हो गया हमारे पास है, 72। तो टोटल वर्क हमारे पास आ जाएगा 72, ठीक है। अब ये 72 हमारे पास वर्क है। अब वो बोल रहा है कि 3 दिन बाद 3 आदमी और काम में सम्मिलित हो जाए तो 3 दिन बाद तो जितने दिन वर्क किया ना वो माइनस कर देंगे। तो 3 दिन बाद मतलब 3 दिन तक रोज कितने व्यक्ति आते थे, 6, तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा, ठीक है। 6 × 3 = 18 तो हम इसको माइनस कर लेंगे 18, ठीक है। 18 × 3 = 54, 18 × 4 = 72 होता है, तो 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 54 आ जाएगा। तो मतलब 54 व्यक्ति और चाहिए हमें, 6 व्यक्ति रोज आते थे 12 दिन तक, तो 1272 हो गया था। 3 दिन तक हमने काम किया 6 व्यक्तियों ने तो कितना वर्क हो चुका होगा, 6 व्यक्तियों का मतलब 18 आदमी का काम हो चुका है। अब बचे कितने हैं, 54 आदमी। तो 54 आदमियों लेके आ रहे हैं हमको, तो 3 दिन बाद 3 आदमी और काम में सम्मिलित हो जाए तो शेष काम को कितने दिन में पूरा किया जाएगा। तो बिल्कुल 3 आदमी और सम्मिलित हो रहे, पहले कितने थे, ऑलरेडी 6 आदमी वर्क कर रहे थे, अब कितने हो गए, 3 सम्मिलित हो गए तो कितने हो जाएंगे, 9। मतलब जितने वर्क कर चुके हैं, जो पहले जो वर्क चल रहा था 3 दिन बाद आए तो उसको हम माइनस कर लेंगे कितना वर्क हो चुका था। कहने का मतलब है कितने आदमी आ चुके थे, 18, टोटल हमको चाहिए थे 72, 72 में से 18 आ चुके हैं, मतलब 3 दिन तक 6 व्यक्तियों ने काम किया तो 6 × 3 = 18 कर सकते हैं, तो 18 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास रहेगा 54। मतलब हमारे पास जो वर्क बचा है वो 54 आदमी का और बचा है, और हमारे पास एक दिन में आदमी उपलब्ध हो रहे हैं 9, तो 54 / 9, तो बिल्कुल 9 × 6 = 54, तो हमारा आ जाएगा 6 दिन। ये जो वर्क निपटा देंगे 6 दिन में ये वर्क कंप्लीट कर देंगे, इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए उसको एक बार, तो 6 आदमी रोजाना आते हैं तो 12 दिन में कितना आएंगे, 72, 1272, और 3 दिन तक 6 आदमी रोजाना आए तो कितने आदमी आ चुके हैं, 18, तो 18 में उससे माइनस कर देंगे कितना आएगा हमारे पास में, 6 × 12 = 1272, और माइनस कर देंगे कितना हो गया, 18, तो 54 हमारे पास, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, तो 9 से अब इसको डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, 6। तो क्लियर होगा आपको, इजी वे में आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। इसको और भी तरीके से कर सकते हैं एमकेडी से, पर बेटर तरीका यही है, आप इससे से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस समझ थोड़ा सा विकसित कीजिए कि टोटल कितने व्यक्ति चाहिए और कितने आ चुके हैं वो माइनस कर देंगे। 51 के बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 52, 52 देखते हैं हम। 52 जिस काम को 12 आदमी 80 दिन में कर सकते हैं उसी काम को 16 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो बिल्कुल इजी प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाहे तो मैं इसको दोनों तरीके से बता देता हूं आपको। जिस काम को 12 आदमी 80 दिन में कर सकते हैं, तो 12 आदमी 80 दिन में, तो 12 आदमी एक काम को 80 दिन में कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है 80 × 12 कर लेते हैं, एक दिन में कितने व्यक्ति आ रहे हैं वो निकालेंगे, तो 80 × 12 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 16 आदमी, 16 आदमी कितने दिनों में करेंगे, तो 16 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 12 × 80 हो जाएगा, रोज 12 बार आते हैं तो 80 दिन में कितना आएंगे, टोटल 12 × 6 = 960 हो जाएगा, और इंटू करने की आवश्यकता नहीं, 16 से हम इसको काट लेते हैं, 8 × 16, दो बार ये डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 60 दिन। तो ये क्लियर होगा दोस्तों आपको, यहाँ से 60 दिन आपका हो गया, ठीक है। 60 दिन जो ऑप्शन नंबर आपका 2 है,
अगर आप चाहें तो एनकेडी से भी इसको कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है आपका कि वन डे में आप व्यक्ति को लेकर आइए, तो वन डे में व्यक्ति को लेकर आइए, एक दिन में कितने व्यक्ति चाहिए, तो बिल्कुल जो है हम लेकर आए यहाँ पर 12 × 80 हो गया, तो 16 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास में 60 आ जाएगा। तो हम और देखते हैं इसको एक अन्य तरीके से देखते हैं, एमकेडी मजदूर काम दिवस। एमकेडी में हम क्या करेंगे, 12 व्यक्ति एक काम को 80 दिन में। एक तरीका तो ये इसको करने का सबसे बेटर तरीका एमकेडी, 12 व्यक्ति एक काम को 80 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए 16 व्यक्ति, ऐसा बोला उसने 16 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में, एक सीधा भी और एक उल्टा भी लग जाएगा, और थोड़ा सा इसके अंदर समय क्रिएट हो रहा है दोस्तों। तो यहां देखिए हम जो एक्स के साथ संख्या होती है हमेशा बटे में आती है, तो 12 × 1 × 80 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, सबका इंटू करेंगे तो 16 × 1, तो 1 रखने से कोई मतलब ही नहीं आता है, तो हम इसको केवल इंटू में 12 × 80 रख लेंगे डिवाइडेड बाय 16, तो ये कट जाएगा 8 × 2 = 16, 2 बार डिवाइड हुआ, 2 से कट गया 6 बार, 6 × 10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 60 दिन, क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा आपको, इसलिए मैं आपको समझ आ रहा होगा। दो तरीके मैंने बताए, 1 तरीका 2 तरीका, आपको जो भी अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। अगला देखिए 52 के बाद 53। ठीक है दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बिल्कुल लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल कर दीजिए आप लाइक उसको, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगने वाला है वीडियोस आपको। ठीक है, आप सोच रहे हो कि यार वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, दोस्तों उंगली रखने में कुछ नहीं जा रहा है, आप कोई भी वीडियो देखिए आप उसको लाइक जरूर कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, सब्सक्राइब करने से कोई दिक्कत नहीं आती है आपका, ये सारे फ्री चैनल है, कोई पैसा आपका नहीं लगता है। देखिए 53 नंबर का प्रश्न है आपका, उसको देखिएगा, एक किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, और बी जो है उसे कर सकता है 15 दिन में कर सकता है, बी उसे 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 30। सबसे पहले हमको एलसीएम लेना है टाइम एंड वर्क के बारे में, तो एलसीएम कितना आ गया 30, तो टोटल वर्क हमारे पास आ गया 30। अब 10 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम, 3 टाइम, 15 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम, 2 टाइम, तो एक 3 बार हुआ और एक 2 बार हुआ, तो बिल्कुल जो हम देखे बी अकेला काम करना प्रारंभ करता है, तो बी अकेले ने काम करना शुरू किया, तो बी अकेला काम करना शुरू करता है, तो ये कितना हो जाएगा 2, है ना, उसने किया 5 दिन तक, बी अकेले ने कितने दिन तक किया 5 दिन तक, तो बी कितना वर्क करता है वन डे में, वन डे वर्क है तो 2 वर्क करता है, टोटल वर्क कितना अपने पास 30, अगर ये 2 करता है तो ये 3 करता है, तो ये देखिए आप रोज ये 5 दिन तक वर्क कर रहा है, तो 2 वर्क कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 × 5 कितना हो जाएगा में 10, तो हम क्या कर सकते हैं 30 में से 10 माइनस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 20, 30 में से 10 माइनस कर लेते हैं कितना हो जाएगा 20, मतलब टोटल वर्क कितना बच गया हमारे पास 20, यानी 5 दिन का वर्क हो चुका है, 5 दिन तक भी वर्क कर चुका है, मतलब जब से काम शुरू हुआ तब से 5 दिन पूरे हो चुके हैं, मतलब 5 दिन हो चुके हैं आपको, तो अब ये जो 20 है ये कितना वर्क बचा शेष, देखो 5 × 10 = 10 वर्क हो चुका है, 30 टोटल वर्क होता है, 30 में से 10 माइनस हो जाएंगे। अब ये क्या कर रहे हैं, दोनों साथ में आ रहे हैं, मतलब पे भी अब आ गया कार्य करने, तो दोनों का वर्क कितना होगा, वन डे का वर्क 3 × 2 = 5, एक दिन में कितना वर्क करेंगे 5, तो बिल्कुल 5 वर्क कर रहे हैं, टोटल वर्क बचा है शेष 20, तो हम क्या करेंगे 20/5, तो कितना आ जाएगा 4, तो 5 दिन पहले था और 4 दिन अभी के जुड़ गए, तो टोटल कितना हो गया, वो भी 5 दिन बी अकेले ने काम किया था और 4 दिन तक इन दोनों ने साथ, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 दिन, टोटल आपके कितना आंसर आ जाएंगे 9 दिन, ये आपका क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, 9 दिन आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप चेक कर लीजिए, तीसरा ऑप्शन नंबर तीसरा आपका आ रहा है, 53 के बाद देखिए दोस्तों 54, 53 के बाद 54, 54 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए आप 54 में देखिए हम 54 क्या कर पाएंगे अपन, 54 तो 54 देखते हैं, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में कर सकते, 54 12 आदमी एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में कर सकते हैं, उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद 3 आदमी और आ जाते हैं, तो काम शुरू करने के कितने दिन बाद 3 दिन बाद, 12 आदमी एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं 8 दिन में। ठीक है, उनके काम शुरू करने वही वाला सवाल है जब भी हल किया था हमने, 2 टाइप से कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हम 12 × 6 कर सकते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 6। अब कितने दिन तक वर्क हो चुका है, वर्क हो चुका है 3 दिन बाद 3 आदमी और आते हैं, तो 3 दिन तक वर्क हो चुका है, तो रोज 12 आदमी आ रहे थे हमारे पास, तो 3 दिन में कितने आ गए, 12 × 3 = 36 आगे में, तो 6 माइनस क्या हो जाएगा 36, 6 माइनस कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 6 माइनस कितना हो जाएगा 36, तो यहां से हम ले सकते हैं 6 − 36 6 माइनस होगा तो 0 और ये 3 हो गए तो कितना जाएगा 60। ठीक है, तो हमारे पास वर्क कितना बचेगा 60, शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो शेष काम कितना बचा 60 बचाए। ठीक है, 60 बचाए शेष काम। अब इसका कहने का मतलब ये है कि 60 आदमी और चाहिए हमें, 12 आर्टिसन रोज
बारह बारह आदमी आ रहे थे, आठ दिन में कितना है छन्यू, तो बारह आठ छन्यू और ये कितना हो जाएगा भारतीय छत्तीस। तो उसने बोला तीन दिन बाद तीन व्यक्ति और आते, तो ये कितना हो गया भारतीय छत्तीस। तो तीन दिन तक तो वर्क किया है बारह व्यक्तियों ने, तो भारतीय छत्तीस हो जाएगा हमारे पास। तो छत्तीस इससे माइनस करेंगे कितना हो जाएगा साठ। अब बारह व्यक्ति ऑलरेडी पहले थे और तीन और जुड़ गए तो कितना हो गया पंद्रह। तो पंद्रह हो गया तो पंद्रह से हम इसको डिवाइड कर देंगे, पंद्रह चौक साठ, तो कितना आ जाएगा हमारे पास चार। तो चार आ जाएगा, तो शेष वर्ग को कितने दिन में करेंगे, शेष पूछा था इसलिए शेष कार्य पर ही हम बताएंगे। बारह पहले थे, तीन व्यक्ति आए, हमने बारह तीन दिन तक काम हो चुका था, उसको हमने माइनस कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इजी वे में आपको समझ आ गया होगा शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर चार आपका है, एक बार फिर से समझ लीजिए। बारह व्यक्ति आठ दिन तक आए, तो बारह आठी छन्नी, उसने बोला कि तीन दिन बाद तीन व्यक्ति और बढ़ा दे, तो पहले बारह थे, ठीक है, तो तीन दिन तक तो बारह ही लगे, तो बारह दिया छत्तीस, तो छत्तीस हम उससे माइनस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास साठ हो जाएगा। अब उसने बोला पहले बारह व्यक्ति थे, तो अब कितने हो गए, तीन और जुड़ जाएंगे, तो बारह और तीन कितने हो गए पंद्रह। तो ये पंद्रह व्यक्ति हमारे पास हो गए, साठ को हम किससे डिवाइड कर दे पंद्रह से, तो हमारे पास कितना हो जाएगा चार शेष बच जाएगा, सॉरी चार दिन आ जाएंगे, शेष दिन कितने आ जाएंगे, शेष काम को कितने दिन में करेगा, तो चार दिन में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका है। चौपन के बाद देखिए पचपन, बिल्कुल जो है पचपन नंबर का प्रश्न आपका क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, देखो पचपन प्रश्न नंबर पचपन। एक काम को छह सोलह आदमी, एक काम को सोलह आदमी बारह दिनों में कर सकते हैं, एक काम को सोलह आदमी बारह दिनों में कर सकते हैं, सोलह आदमी बारह दिनों में कर सकते हैं एक काम को, एक काम को सोलह आदमी बारह दिनों में कर सकते हैं। पचपन नंबर का प्रश्न, एक काम को सोलह आदमी बारह दिनों में कर सकते हैं, सोलह आदमी कितने दिनों में कर रहे हैं बारह दिनों में, तो बिल्कुल हम इसको एक दिन में लेके आ जाते हैं, है ना। चौपन के बाद पचपन नंबर का क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, तो आप देखिए सोलह आदमी कितने दिन में कर रहे हैं बारह में, तो बारह इंटू सोलह कर लेंगे हम। काम आरंभ होने के तीन दिन बाद आठ आदमी उनके साथ सम्मिलित हो जाते हैं, तो आठ आदमी उनके साथ सम्मिलित, तो तीन दिन तक तो क्या हुआ होगा सोलह ही आदमी ने काम किया होगा, ये सोलह आदमी है, तो तीन दिन तक क्या हुआ होगा सोलह ही आदमियों ने काम किया होगा, तो ऑब्वियसली सोलह ही आदमी काम कर रहे हैं, तीन दिन के बाद आ रहे हैं, तो सोलह किया कितना हो जाएगा ये अड़तालीस, और हम बारह और इसका गुणा कर देंगे, सोलह दो बत्तीस के दो तीन बचे सोलह और तीन उन्नीस, एक सौ बानवे आपके पास आ जाएगा, ठीक है, और हम इसको इससे माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास में जो व्यक्ति आ जाएंगे ये बारह से इंटू किया सोलह का, सोलह रोज व्यक्ति आते हैं तो बारह दिन में कितना आएंगे एक सौ बानवे पर तीन इंटू सोलह कर दिया, तो सोलह अड़तालीस, तो हम इससे माइनस कर लेते बारह में से आठ गए कितने बचे चार, ठीक है, और इसके बाद में हम देखते हैं नौ में से चार गए कितने हो गए इतने, और ये एक सौ चौवालीस, ठीक है, तो एक सौ चौवालीस व्यक्ति और चाहिए हमको, तो पहले कितने व्यक्ति लग गए सोलह, कितने व्यक्ति और आए आठ व्यक्ति और आए, टोटल कितने व्यक्ति बता रहा हूं आठ व्यक्ति और आ जाते सम्मिलित हो जाते, ठीक है, तो शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो इसका कहने का मतलब आठ व्यक्ति और आ गए और टोटल वर्क टोटल आदमी कितने चाहिए एक सौ चौवालीस, सोलह इंटू बारह किया था एक सौ बानवे आया, माइनस किया तीन दिन तक लगे थे सोलह की अड़तालीस, तो माइनस किया तो एक सौ चौवालीस व्यक्ति और चाहिए हमको, और व्यक्ति कितने हैं सोलह पहले लग रहे थे आठ बाद में आए, तो सोलह और आठ कितना हो गया चौबीस, तो हम क्या करेंगे एक सौ चौवालीस डिवाइडेड बाय चौबीस, ठीक है, तो चौबीस से डिवाइड हो जाएगा कितने दिन तक आएंगे चौबीस चौबीस करके एक सौ चौवालीस तक, तो बारह से काट दे बारह का बारह बार दूना चौबीस, ये बारह का वर्ग होता है, वैसे भी बारह का बारह और बार दूना चौबीस, तो ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में आंसर छह दिन, सिक्स दिन आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए पचपन के बाद हम देखते हैं छप्पन नंबर का प्रश्न, छप्पन देखिएगा आप किस टाइप से हम कर दें छप्पन, तो छप्पन नंबर का प्रश्न है आपका पचपन के बाद, पचपन के बाद छप्पन, एमकेडी का ध्यान रखें, एमकेडी से भी कर सकते हैं आप इन सवालों को, बिल्कुल जो है एमकेडी से भी कर सकते हैं, देखिए इस सवाल को हम एमकेडी से करते हैं, ठीक है, जहां हमको उनको ध्यान रखना है कि यदि काम दे दिया तो बिल्कुल एमकेडी से ही जाएंगे आप, वो एमकेडी से बनेगा। अभी क्या है कोई व्यक्ति एक काम को तो एक काम में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है, अगर उसने कुछ दिया है काम तो फिर अपन को लेना पड़ेगा। देखिए एमकेडी छप्पन नंबर का क्वेश्चन, पचपन के बाद पहुंचते हैं हम छप्पन पे, छप्पन नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है, छह व्यक्ति, तो एमकेडी से बना लेते इसको, मजदूर काम दिवस एम के और डी, इसको बोलते हैं मजदूर काम और दिवस, या टी भी बोल सकते हैं टाइम, ठीक है, टी का मतलब होता है टाइम, छह व्यक्ति तो छह मजदूर, छह व्यक्ति एक सौ अड़सठ खिलौने, एक सौ अड़सठ खिलौने, पहले खिलौने नहीं दे रहा था मतलब काम नहीं दे रहा था, काम हमेशा एक ही दे रहा था इसलिए हम इंटू कर पा रहे थे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक सौ अड़सठ खिलौने सात दिन में बना देते, तो बिल्कुल सात दिन में बना देंगे,
इजी आपका क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो बोल रहा आठ व्यक्ति, आठ व्यक्ति, वेरी गुड। पांच दिन में कितने खिलौने बनाए, तो पांच दिन हमने यहाँ लिख दिया। और कितने खिलौने, जब भी आपसे कोई चीज पूछी जाती तो आप क्या कर सकते हैं, एक्स लगा सकते हैं, इसका इंटू इधर, इसका इधर, ठीक है, इसका इधर और इसका इधर। तो हम देखते हैं कि जो एक्स के साथ संख्या होती है ना, एक सीधा भी बनाते हैं और एक उल्टा भी बनाते हैं, और जो एक्स के साथ संख्या होती है ना वो हमेशा बटे में जाती है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर देंगे इसको, आठ इंटू एक सौ अड़सठ इंटू फाइव डिवाइडेड बाय सिक्स इंटू सेवन, तो सेवन सिक्स, तो हम इसको डिवाइड करते हैं, सेवन से डिवाइड करेंगे, सात एकम सात, सात दूनी चौदह, कितना बचा दो, सात चौक अट्ठाईस, छह से कट जाएगा, छह चौक चौबीस, पांच चौक बीस। अब ये बीस इंटू क्या हो गया हमारे पास में, आठ, आठ दूनी कितना हो जाएगा सोलह, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, एक सौ साठ, एक सौ साठ खिलौने वो क्लियर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका चेक कर लीजिए आप, चौथा, एक सौ साठ खिलौने बनाएंगे, ठीक है, एक सौ साठ खिलौने, फिर से चेक करिए उसको, उसने बनाए छह व्यक्ति एक सौ अड़सठ खिलौने सात दिन में बनाते, ठीक है, छह व्यक्ति एक सौ अड़सठ खिलौने कितने दिन में बनाते, छह व्यक्ति मतलब छह मैन एक सौ अड़सठ खिलौने सात दिन में बनाते, तो आठ मैन पांच दिन में कितने खिलौने बनाएंगे, तो एक सीधा भी मैंने लिया था और एक उल्टा भी, ठीक है। जो एक्स के साथ संख्या होती है वो हमेशा बटे में आती है, तो वो बटे में आ गई यहाँ पर, छह इंटू सात, तो ये क्या हो गया आठ, एक सौ अड़सठ और ये पांच, ठीक है। इस वी के साथ जो भी है ना, इस रस्सी के साथ जो भी है वो ऊपर आएंगे, क्यों, क्योंकि एक्स वाली संख्या हमेशा बटे में आती है। देखिए आप जैसे चार एक्स बराबर कितना है चालीस, तो कभी भी चालीस इसके बटे में नहीं जाएगा, एक्स बराबर आएगा चालीस बटे चार, तो कितना आएगा टेन, एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में टेन, तो हमारा आंसर ये आएगा ना कि दूसरा, ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा आपको। अगला देखिए आप, छप्पन के बाद देखिए सत्तावन, सत्तावन नंबर का प्रश्न, सत्तावन क्या बोल रहा है, देखिए आप सत्तावन, सत्तावन देखिए, फिफ्टी सेवन, फिफ्टी सेवन बोल रहा है अशोक, दिलीप और पवन किसी काम को जो है तीन दिनों में कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा नाम का, अशोक दिलीप और एक और है पवन, पवन किसी काम को तीन दिन में कर सकते हैं, तो कितने दिन में कर सकते हैं, मतलब ये कोई एक वर्क है उसको तीन दिन में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैथमेटिक्स का एक चैप्टर छुड़ा रहा है, तो वो तीन दिन में तीनों मिलकर छुड़ा लेंगे, दस क्वेश्चन ही छुड़ाएगा, दस ही छुड़ाएगा, दस वो छुड़ा लेगा, एग्जाम तो कोई क्लियर करेगा नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति को ही पढ़ना पड़ता है सारी चीज, ठीक है दोस्तों। तो यहां देखिए आप, तो तीन दिन में कवर कर सकते हैं, बट यहां पर क्या हुआ, यदि दिलीप और सुजीत, दिलीप प्लस सुजीत, दिलीप प्लस सुजीत उसे चार दिन में कर दे, तो पवन अकेला उसे कितने दिन में करेगा, तो पवन बराबर कितने दिन, तो देखिए दोस्तों यहां पर थोड़ा सा जो है एक व्यक्ति अलग होकर आ गया है, मतलब कहने का मतलब एक व्यक्ति, दो व्यक्ति और तीन व्यक्ति, पर ये सुजीत अलग होने से चार व्यक्ति हो गए टोटल, चार व्यक्ति हो गए। तो अगर मैं दिलीप को घटाऊंगा तो सुजीत को घटा नहीं पाऊंगा, ठीक है, मतलब एक व्यक्ति को घटाऊंगा तो सुजीत भी घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर चार है, तो ऑब्वियसली एक व्यक्ति दूसरा है, तो अगर मान लो ये सुजीत की जगह पवन होता तो मैं इन दोनों को घटा देता, तो मेरे पास अशोक आ जाता, ठीक है, या फिर सुजीत की जगह अशोक होता तो मैं अशोक को घटा देता, मेरे पास पवन आ जाता। पर यहां पर क्या है, सुजीत अलग होने से इसका आंसर निकालना संभव नहीं होगा, ठीक है, इसलिए इसका आंसर आएगा आंकड़े अधूरे। सत्तावन नंबर के प्रश्न का आंसर है चार आंसर है जिसका बोलता है आंकड़े अधूरे, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए थोड़ा सा, उसने एक पर्सन अलग से लिखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं, सत्तावन के बाद देखिएगा अट्ठावन, अट्ठावन नंबर का प्रश्न, वो भी एक बहुत ही इजी क्वेश्चन से अट्ठावन, देखिए अट्ठावन क्या बोल रहा है, फिफ्टी एट, क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट, एबीसी मिलकर कोई काम दस दिन में कर सकते हैं, एबीसी मिलकर क्या कर सकते हैं दस दिन में, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे दस दिन में, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं दस दिन में कर रहे हैं, यदि ए अकेला, यदि ए अकेला उस काम को, यदि ए अकेला उस काम को तीस दिनों में करता है, ए अकेला कितने दिन में करेगा तीस दिनों में, ए अकेला उस काम को तीस दिनों में करता है, ए अकेला उस काम को तीस दिनों में करता है, ए अकेला उस काम को तीस दिनों में करता है, तथा बी अकेला चालीस दिनों में, बी अकेला कितने दिनों में कर रहा है चालीस दिनों में कर रहा है, बी अकेला चालीस दिनों में कर सकता है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो हमको क्या निकालना है सी का निकालना है, ठीक है। तो देखे हम क्या करते हैं, देखो फिर से क्वेश्चन को देखिए, एबीसी एक काम को दस दिन में कर सकता है, ए अकेला तीस दिन में और बी अकेला चालीस दिन में, ठीक है दोस्तों, यहां पर वही वाली कंडीशन हो रही है जो अभी सुजीत वाली हुई थी,
ठीक है, आंसर आंकड़े अधूरे आते, पर इसमें आंकड़े अधूरे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एबीसी दिया है और ए बी और बी दिया है। तो यदि मैं इसमें से ए माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बी सी बच जाएगा, और फिर बी माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, सी बच जाएगा। तो मेरे से सी ही पूछा है, इसलिए मैं क्या करूंगा, सबका एलसीएम ले लेता हूं। ठीक है, ये सबका एलसीएम मेरे पास कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 120। ठीक है, जैसे एलसीएम लेने का सबसे अच्छा तरीका है, बड़े के टेबल बोलो, बड़े के टेबल बोलो और दूसरे से काट के देखो, 40 से कम 40, 30 से नहीं कटेगा 10 से कट जाएगा, तीनों से कटना चाहिए। 40 × 80, तो 40 × 80 इसका मतलब ये 10 से कटेगा पर 30 से नहीं कटेगा 80, और 40 किया 120, 120 10 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा और 40 से भी कटेगा, तीनों से कटेगा। तो 10 से कटा कितना हो गया 12, 30 से कटा कितना हो गया 4। ठीक है, 4 हमारे पास में आ गया, और अगर 40 से हम इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 टाइम। ठीक है, तो ये वन डे का वर्क आना, वन डे का वर्क समझते हैं आप, एक दिन में ये कितना वर्क करे। अब देखो ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, 12 वर्क करते हैं एक दिन में, और ए कितना करता है 4 और बी कितना करता है 3। तो तीनों का मिलकर वर्क है कितना, तीनों का मिलकर वर्क है एक दिन का, ये 12 काम निपटा देते, ये 4 निपटा था, 7 निपटा था, तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है आपका 120। तो 120 वर्क करना है आपको। ठीक है, तो ये 120 वर्क कर देते हैं 12 दिन में, ये 120 करता है 4 दिन में, ये 120 करता है 3 दिन में। तो हम क्या कर सकते हैं, ये तीनों का मिलकर है ए प्लस बी प्लस सी, ये 12 है, तो मैं क्या करूं, ये ए और बी को मैं प्लस कर लूं, ए कितना है 4, बी कितना है 3, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो मैं 7 डायरेक्ट इससे अगर माइनस कर दूं तो ए माइनस हो जाएगा और बी माइनस हो जाएगा। तो 12 से 7 गए तो कितने हो गए मेरे पास में, 12 7 गए तो 5। ठीक है, 12 7 जाएंगे तो कितना वर्क आ जाएगा 5। तो ये किसका वर्क है 5, ये दोनों का, तो इसका तो 4 था इसका 3 था, ये दोनों का मिलाकर 7 होता है, तो 5 और जोड़ के 12 हो रहा था, मतलब ये 5 किसका था, 5 था सी का वर्क। तो सी अकेला यदि करे तो एक दिन में वो 5 वर्क करता है, टोटल वर्क कितना है 120, तो 120 कितने दिन में करेगा, तो 120 डिवाइडेड बाई 5, तो सी का वर्क आ जाएगा 24 दिन। तो सी बराबर आपका क्लियर हो जाएगा 24, जो आंसर आपका मैच कर रहा होगा आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्लियर हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, आसानी से समझ आया होगा, एबीसी का 10, ए का 30, बी का 40, सबका एलसीएम 120, 10 से डिवाइड किया 12, 30 से डिवाइड किया 4, 40 से डिवाइड किया 3, अब इन सबका जो है ये 4 और 3 7 माइनस कर लिया, अपने पास में सी का वर्क आ गया, सी का वर्क आया हमारे पास में 5, ये 5 आया। ये समझाने के लिए मैंने ये इक्वेशन बनाई है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, इसको नहीं करना है आपको, केवल आपको इतना ही करना है और यही से माइनस करके 120 के डिवाइड बाय रख के आपको आंसर क्लियर करना है। तो 58 का आंसर है आपका 24, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका मैच कर रहा है, और बड़ी आसानी से क्वेश्चन बन रहा होगा दोस्तों। तो बिल्कुल जो है वीडियो को सिलेक्ट करके आप जो है उसको स्टडी रिलेटेड ग्रुप में सेंड कर दीजिए, और जो है लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए आप, और कुछ नए बच्चे जुड़े हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल नीचे रेड बटन नजर आ रहा होगा आपको, उस पर क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा, रेड बटन को ब्लैक कर दीजिए। ठीक है, नए क्वेश्चन आप देखेंगे 59 नंबर का, लीली तथा अंजू किसी काम को क्रमशः, एक लीली है और एक अंजू है, एक लीली, लीली तथा अंजू, 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 लीली तथा अंजू किसी काम को क्रमशः, ले किताब ले, लीली तथा अंजू किसी काम को क्रमशः 30 मिनट, क्रमशः का बोला है तो लीली अलग लिख देंगे, अंजू अलग लिख देंगे, लीली 30 मिनट और जो है 60 मिनट में कर सकती है, लीली और अंजू बोला उसने। ठीक है, अंजू कितने मिनट में कर सकती है, 60 मिनट में कर सकती है, यदि दोनों मिलकर काम शुरू करें तो काम पूरा होने में कितने मिनट लगेंगे, एक 30 मिनट में कर रही है, काम पूरा होने में कितने मिनट लगेंगे, तो ऑब्वियसली हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम कितना आया दोस्तों, दोनों का एलसीएम आएगा हमारे पास में 60, सबसे बड़ी संख्या की टेबल बोलेंगे, अंजू 60 दिन में कर रही है, 60 मिनट में कर रही है, ये मिनट है और ये भी मिनट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा मिनट और समय। ठीक है, 30 और 60 कितना हो गया, ये कितना, तो 30 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2 टाइम, 60 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में टोटल वर्क कितना, हमारे पास टोटल वर्क कितना है 60, तो हम क्या कर लेंगे, वन डे का वर्क, एक दिन में कितना हो रहा 2, एक दिन में कितना हो रहा 1, तो वन डे का वर्क कितना हो रहा 1 डे, तो 1 डे बराबर कितना है इधर,
तो दो और एक कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर कितना कर रहे वनडे में, दो और एक तीन, तो हम इसको तीन से डिवाइड कर देते, कितना जाएगा तीन दुना छह, तो हमारे पास कितना जाएगा 20 दिन। ठीक है दोस्तों, इजी आपको समझ आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 मैच कर रहा है लेली और अंजू वाले क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लीजिए आप। दूसरा आंसर आ रहा है आपका ANS बराबर हो गया 2 नंबर का, ऑप्शन आपका क्लियर हो रहा है। ठीक है, 59 का आंसर है 20। अगला प्रश्न देखिए आप, 64 आदमी जिस काम को 15 दिन में करते हैं उसी काम को 80 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो ऑब्वियसली वही क्वेश्चन है जो अभी आप करते हुए आए हैं। आज बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, अच्छे से जो है समझ आ रहा होगा आपको। 60 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है, 64 आदमी जिस काम को 15 दिन में करते हैं, 64 आदमी जिस काम को 15 दिन में करते हैं, मतलब एक काम है कोई भी उसको 15 दिन में करते हैं। मैंने बोला था यदि काम देगा तो एमकेडी का यूज करेंगे। ठीक है, यदि उसने मजदूर और समय दिया है तो डायरेक्ट हम इंटू कर लेंगे और फिर पूछ लेंगे जो भी है, और काम देगा और या मजदूर और समय दिन में देकर घंटे में भी देगा तो फिर ओपन करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप देखिए आगे सवाल आएगा आपको समझ आ जाएगा, चाहे तो आप इसको एमकेडी से भी कर सकते हैं, मैं एमकेडी से भी आपको बता दूंगा। 64 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 80 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे, तो ऑब्वियसली 80 से डिवाइड मार देंगे, 64 × 15 आ जाएगा, टोटल व्यक्ति आ जाएंगे पर इंटू नहीं करेंगे पर। ठीक है, 80 व्यक्ति रोज लगेंगे तो कितने व्यक्ति आएंगे, ठीक है, तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 × 64 8 बार करना, 5 से डिवाइड हो गया, 0 का मतलब होता है दोस्तों, या 0 का मतलब होता है 10, है ना, तो 0 का मतलब 10, तो 5 से डिवाइड होगा, 5 × 5 = 10, 5 × 3 = 15। ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 × 4 = 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 दिन, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका मिस कर रहा है। ठीक है, 12 दिन ऑप्शन नंबर ए यानी फर्स्ट आपका मैच कर रहा है ये वाला। आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, 64 × 15 वो तो काटने के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे काट रहे हैं, 8 × 80 16 × 5 = 80 डायरेक्ट 16 से कट जाता, 16 × 64 5 × 3 = 15 3 × 4 = 12। ठीक है, अपन ने उसको 8 से काट दिया था इसलिए थोड़ा सा लंबा चला गया, पर आप बड़ी से बड़ी संख्या का इस्तेमाल करेंगे काटने के लिए। ठीक है, इसको एमकेडी से बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एमकेडी से कब करते हैं हम, जब यहाँ टाइम भी दिया हो और दिन भी दिए हो तो हम एमकेडी से करेंगे। यहाँ पर वर्क दिया हो तो जैसे मान लो 10 कार्य 20 कार्य तो हम एमकेडी से करेंगे। फ्लाइट वो बोल रहा है 64 आदमी एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। ठीक है, कोई एक वर्ग है जिसको 15 दिन में कर रहे हैं, तो उसी काम को 80 आदमी वही काम है, मतलब एक वर्ग था वही 80 आदमी कितने दिन में, एक सीधा भी और एक उल्टा भी। ठीक है, एक सीधा भी और एक उल्टा भी बन जाएगा, पर देखिए यहाँ क्या हो रहा है अपन इसको डायरेक्ट कर पा रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम समय की परीक्षा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि आपने समय में क्वेश्चन को कर लिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे, अगर समय में नहीं कर पाए तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और किस कंडीशन कुछ भी हो दोस्तों, हमको एग्जाम क्लियर करना है, इतनी मेहनत करी है उसका कुछ फायदा मिलना चाहिए। ठीक है, केवल ऐसा ही नहीं कि बस माँ बाप के पैसे बिगाड़ दिए, इतना पढ़ दिए और उसके बाद भी जॉब नहीं लगती है तो काफी निराशा हाथ लगती है, और आपकी जॉब तभी लगेगी जब आपकी स्पीड होगी, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिशन एग्जाम समय की परीक्षा हो चुकी है, आपको समय में करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप देखें, यहां मैंने उसको जमा के बताया था इसलिए मैं दो दो तरीके बता रहा हूँ, कभी मान लो किसी बच्चों को इस तरीके से नहीं आया तो वो इस तरीके से देख सकता है, पर बेटर यही है। ठीक है, बेटर यही है, पर वो भी ये जब फेल हो जाएगा जब वो समय देगा काम देगा तो हम फिर उससे निकालना पड़ेगा, आ तो इससे भी जाएगा और वो फिर कंफ्यूज करेगा, इसलिए आपको जमाना नहीं आएगा, इसलिए उससे मैं जमाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप जो एक्स के साथ होता है बड़े में आता है 64 × 15 / 80, तो अपन डायरेक्ट किस प्रोसेस पे आ गए थे, इस वाली पर डायरेक्ट यहाँ आ गए थे, फिर वही आ गए अपन, फिर इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा, जो एक्स के साथ होती बड़े में आती है 16 × 64 = 16 × 5 = 80 5 से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, तो ये कितना जाएगा 12, हमारा आंसर आ जाएगा 12 दिन। ठीक है, हमारा आंसर कितना जाएगा 12 दिन, क्लियर होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम 60 के बाद 61। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्लियर होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए, बिल्कुल एक बार देखिए दो बार देखिए, हमारा उद्देश्य है आपकी आपको जो है पूरी गणित सिखाना और ऐसे सिखाना कि भविष्य में आप जो है क्वेश्चन बना पाए, एग्जाम क्लियर कर पाए, मेरा उद्देश्य कतई ये नहीं है कि आपको बस वीडियो दिखाना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए आप, तो आप अच्छे से उसको देखिए और अच्छे से आप क्लियर करें, यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल जो है वापिस मुझे कमेंट्स करके बताएं। देखो 61 नंबर का प्रश्न, लगातार क्वेश्चन आपके बहुत इजी आते जा रहे हैं, लगातार आप बने रहिए। 61, 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में, तो 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में, तो हम क्या बोल सकते हैं 12 आदमी किसी काम को, तो काम पता नहीं है तो हम इंटू लिख सकते हैं, और दिन भी दिए तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में, तो डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे 10, ये क्या हो जाएगी 12 आदमी किसी काम को, मतलब एक काम है उसके लिए 15 दिन तक आते हैं तो 15 दिन में करते हैं, तो टोटल व्यक्ति आ जाएंगे 12 × 15 हो जाएगा, तो चाहे तो हम इंटू डी से कर सकते हैं,
चलो तो हम काट दिए इसको, पांच से कट गया दो बार, पांच से कट गया तीन बार, दो से कट गया छह बार, छह तरीके कितना हो जाएगा अठारह। हमारे पास कितना आंसर आ गया अठारह दिन, ठीक है इकसठ का आंसर हो गया होगा अठारह दिन। क्लियर होगा दोस्तों आपको, अठारह दिन ऑप्शन नंबर तीन मैच कर रहा है। अगला देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, फिर से देखिएगा इकसठ के बाद देखिए बासठ, बासठ नंबर का प्रश्न, बासठ नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, दस आदमी किसी काम को अठारह दिन में, दस आदमी किसी काम को अठारह दिन में, तो कोई काम है काम पता नहीं है अठारह दिन में है ना, किसी काम को अठारह दिन में कर सकते हैं, तो बारह आदमी उसी काम को कितने दिन में, तो बारह से बैठ करेंगे छह कम से छह अठारह, छह दिन बारह, दो से कट गया पांच, तो पांच तरी पंद्रह, तो ऑप्शन नंबर आपका दो नहीं कर जाएगा, पंद्रह आंसर आ चुका होगा आपको। ठीक है इसको एमकेडी से कैसे जमाएंगे, हाँ समस्या आ रही होगी किसी बच्चे को, तो आप देखिए एमकेडी से जमा लीजिए बच्चा, ठीक है एमकेडी मजदूर काम दिवस, ठीक है वो बोल रहा है मजदूर काम दिवस बासठ नंबर का क्वेश्चन से, दस आदमी तो मैंने लिख दिया दस आदमी एक काम को कितने दिन में अठारह दिन में, ऑब्वियसली इजी होगा, फिर देखिए आप बारह आदमी उसी काम को, तो बारह आदमी उसी काम को कितने दिन में, सीधा भी और एक उल्टा भी, तो दस इंटू अठारह हो जाएगा डिवाइडेड बाय जो एक्स के साथ संख्या होती है हमेशा बटे में आती है बारह, एक का कोई महत्व नहीं होता दोस्तों, तो ये एक का गुणा करने में भाग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ सौ बटे, तो एक से भाग लगाइए आप कितनी बार, सौ का सौ ही रहेगा, ठीक है पर यदि दो लिख दिया तो पचास हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिए दो नहीं लिखते उसके बीच, ठीक है छह से काटा तीन बार, छह से काटा दो बार, दो से काटा पांच बार, पांच से पंद्रह, तो वापिस आपका पंद्रह ही आंसर आ गया, इससे भी आंसर आ जाएगा आपका पंद्रह, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, साठ इकसठ बासठ, बासठ के बाद तिरसठ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाने वाला हूँ मैं, ट्रिकी मैथमेटिक्स से आपको पूरी सॉल्व करवा दूंगा, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने दूंगा और अपना कोई रूट नहीं दूंगा, ठीक है तो एग्जाम आपकी क्लियर होगी गारंटी है मेरी। अगला देखिए आप तिरसठ, तिरसठ देखे दोस्तों, सोलह आदमी किसी काम को तीस दिन में कर सकते हैं, ऑब्वियसली इजी क्वेश्चन समझ सकते हैं आप, दोनों तरीके से बता दूंगा, एमकेडी जो बच्चे एमकेडी से करना चाहते हैं एमकेडी से कर लें, पर ये बात ध्यान रखिए दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम समय की परीक्षा है, यदि आप एमकेडी से कर रहे हैं तो समय ले रहा है, आपको यहां आना पड़ेगा, ठीक है तो बिल्कुल आप इधर भी रहे, अगर कभी फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो उससे कर लीजिए, ठीक है आपके साथ ही कोई दिक्कत नहीं, ठीक है समय में कर पाएंगे तो आप निकल पाएंगे, ठीक है सोलह आदमी किसी काम को तीस दिन में, तो सोलह आदमी किसी काम को तीस दिन में मतलब सोलह आदमी रोज आते हैं तीस दिन तक, सोलह इंटू तीस कर दे गुणा नहीं करेंगे, फिर वो बोल रहा है कि चौबीस आदमी कितने दिनों में करेंगे, चौबीस से डिवाइड कर देंगे तो सोलह कट जाएगा, कैसे कट गया आठ एक बार आठ सोलह आठ तीन चौबीस, तीन से कट गया दस बार, दस का गुणा हो गया बीस, तो कितना जाएगा मेरे पास आंसर बीस दिन, ऑप्शन नंबर थ्री मैच कर रहा होगा आपका, बीस दिन आपका क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर थ्री, ठीक है बीस दिन आपका क्लियर है, यदि इसको एमकेडी से करें सोलह आदमी एक काम को तीस दिन में, तो चौबीस आदमी उसी काम को कितने दिन में, सीधा भी और एक उल्टा भी, मतलब ये जमाने के लिए होता है दोस्तों कि आपको जमाना आ जाए, ठीक है क्या देखिए तो सोलह आदमी इस जमाने में एक जॉब चाहिए गवर्नमेंट, ये बात ध्यान रखना, जमाना आ जाएगा तो ही जॉब मिलेगी, चौबीस डिवाइडेड बाय आठ दुनी सोलह, आठ तीन चौबीस, तीन से डिवाइड हो गया दस, तो दस दुना बीस, हम इस प्रोसेस में आ जाते हैं, यहां से जमाना नहीं पड़ता है डायरेक्टली आके, ठीक है वही प्रोसेस है बस ये कटिंग हो रही है यहां से, ये समय आपको बच जाना है, तिरसठ के बाद चौसठ, बीस आंसर आ चुका है, चौसठ देखिए दोस्तों इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं इसकी स्पीड आ रही है, आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए बहुत स्पीड से पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है स्पीड होगी तो ही सिलेक्शन आएगा, चौसठ चौसठ नंबर का जो किताब में आ रहा है वही मैं करवाता जा रहा हूं एक के बाद आपको क्लियर करते जा रहा हूं, बयालीस आदमी किसी काम को, बयालीस आदमी किसी काम को पंद्रह दिन में, तो बयालीस आदमी किसी काम को क्या कर रहे हैं पंद्रह दिन में कर रहे हैं, काम आरंभ होने के दो दिन बाद पांच आदमी और उनके साथ शामिल हो जाते हैं, तो पूरे काम को समाप्त होने में कितने दिन लगे, तो मैंने बताया था कि बयालीस व्यक्ति रोज आ रहे ये व्यक्ति है तो पंद्रह दिन तक आ रहे तो बयालीस इंटू कितना कर देंगे पंद्रह, अब वो बोल रहा है कि दो दिन बाद पांच आदमी और उनके साथ शामिल हो जाते, तो दो दिन तक तो काम किया होगा ना बयालीस, बयालीस व्यक्ति एक दिन में आते हैं तो दो दिन में कितने आएंगे बयालीस बयालीस दो बार, तो हम क्या कर सकते हैं माइनस कर देंगे इसके अंदर से, तो बयालीस इंटू कितना हो जाएगा टू, इससे पहले भी क्वेश्चन किया अपने, ठीक है टू हो जाएंगे, पांच आदमी और आ रहे हैं फिर अपन पांच जोड़ लेंगे, तो फिलहाल हम देखते हैं तो यहां पर बयालीस इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास पंद्रह, तो हम पंद्रह का इंटू कर देते हैं पंद्रह दो तीस की शून्य कितना बचा तीन, पंद्रह चौक साठ और तीन तिरसठ, ठीक है बयालीस में इंटू कर देते हैं इसका दो दूनी चार और चार दूनी आठ, ठीक है चौरासी हो जाएगा एट्टी फोर, तो हम इसको माइनस कर लेते हैं, तो यहां से इसको माइनस करेंगे तो टेन में से फोर गया कितना बचा, टेन में से कितना बच जाएगा फिर सिक्स, और यहां से एक उधर गया था तो यहां दो रह गए होंगे तो एक इधर से आएगा तो कितना बारह, बारह में से आठ गए तो कितने बचे
चार, तो यहाँ कितना रह जाएगा फाइव, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 546, 546 टोटल आपका क्लियर हो जाएगा। फिर से चेक कर लीजिए एक बार, यहां से भी 10 से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 6, एक इधर से हासिल जाता है तो 10 होता है, तो यहां से अब हासिल लेंगे तो 12 में से 8 गए कितने बचे 4, और यहां से एक गया था तो 5, तो 546। अब यहां देखिए आप, ये हमने माइनस इसलिए किया कि दो दिन तक ये व्यक्ति लगे हैं, तो अब टोटल वर्क हमारा बच गया है कितना 546। अब वो बोल रहा है कि व्यक्ति आते हैं कितने, पहले कितने थे 42 आदमी किसी काम को 15 दिनों में कर सकते, काम आरंभ होने के दो दिन बाद 5 आदमी और उनके साथ शामिल हो जाते, पूरे काम को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, तो पूरे काम को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, तो टोटल हमारे पास बचा है 546, तो टोटल बचा है तो 5 व्यक्ति और आते हैं, तो पहले कितने व्यक्ति थे 42, अब कितने और बढ़ जाएंगे 5 और, तो 5 और बढ़ जाएंगे तो हमारे पास कितने जाएंगे 47, 47 से हम इसको डिवाइड करेंगे, चलो 47 से डिवाइड किया 1 टाइम 11 टाइम, तो फिर से 76 बच गया, फिर डिवाइड हुआ 1 टाइम, तो कितना बच गया 47, तो 47 से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 29 अपन जो बच जाएगा 47, तो 11 सही 29 अपन 47। और यहां पर वो बोल रहा है कि पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो पूरा काम जो बोले तो ये आपका आंसर आया है अभी हाल, पर उसने क्या बोला ये शेष काम आया, मतलब शेष दिन आया, तो पहले कितने दिन थे, पहले दो दिन वर्क हो चुका है तो पूरा काम पूछा है तो दो और जुड़ जाएगा इसमें, तो ये कितना था 11 सही 2/9 डिवाइडेड बाय 47, तो ये इसमें जुड़ जाएगा तो कितना लेगा 13 सही 29/47, ठीक है 13 सही 29/47, क्योंकि उसने ये पूछा है हमसे पूरा वर्क, उसने ये नहीं पूछा है कि शेष वर्क कितना है, ठीक है, इसलिए वो आंसर आएगा आपका 13 सही 29/47, ठीक है, बाकी 11 सही 29/47, ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, समस्या आ रही है तो बिल्कुल रिवाइज करके आप देखें उसको, ठीक है, 65 अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 65 इजी प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम को 10 पुरुष 20 दिनों में कर सकते हैं, 10 पुरुष कितने दिन में कर सकते हैं, मैं पुरुष की बात कर रहा हूं, 10 पुरुष एक काम को 10 पुरुष 20 दिनों में कर सकते हैं, कितने दिनों में कर सकते हैं 20 दिनों में, मतलब 20 दिन में ये कर देते, टोटल अगर दिन लेंगे पुरुष तो 20 दिन, टोटल दिन लेंगे 20 दिन, 20 महिलाएं 15 दिन में, तो उसी काम को कितनी 20 महिला 15 दिन में करेगी, तो 5 पुरुष और 10 महिलाओं को काम पूरा लगा दिया जाए तो काम को पूरा होने में कितने दिन लगे। तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, इन सबको काम एक ही है, पुरुष करे तो पुरुष जो कार्य कर रहा है वो करता है उसी काम को, जो है 10 दिन में 10 पुरुष लगाते हैं तो 20 दिन में कर देगा, उसी काम को यदि करना है तो 20 महिला लगाएंगे तो 15 दिन में करेगा, 15 दिन में करेगी, ठीक है, तो पहले हम इनको वन डे में लेके आते हैं, तो हम वन डे में मतलब ये पुरुष ध्यान रखना, ये पुरुष लिख दिया इधर और ये महिला लिख दी, इनकी कैपेसिटी निकालते कौन किसके कितने बराबर है, कितने पुरुष कितनी महिला के बराबर है, तो 10 पुरुष और 20, 10 और 20 का इंटू कर देंगे बराबर 20, और एक दिन में लेके आएंगे, ठीक है, एक दिन में कितनी महिला आ रही है और एक दिन में कितने पुरुष आ रहे हैं, तो ये 20 से 20 डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास 10/15 आ जाएगा, तो 10 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 2, 5 दूनी 10 और ये जाएगा 5 3 15, तो 2 मेन प्लस 3 वुमेन, इसका मतलब 2 मेन किसके बराबर है 3 वुमेन के बराबर है, तो 2 मेन किसके बराबर हो जाएंगे 3 वुमेन के बराबर। अब यहां क्या बोल रहा है, देखो फिर से देख लीजिए आप, थोड़ा सा कन्वर्ट में ही दिक्कत आता है, 15 साल के एक्सपीरियंस में जहां तक मेरा रिकॉर्ड रहा है कि बच्चों को कन्वर्टेशन में दिक्कत आती है, सब कन्वर्ट में दिक्कत आती है, तो आप कन्वर्ट अच्छे से सीखें, यदि आपको कन्वर्ट आ गया तो ये सारे सवाल बन जाएंगे, ठीक है, 10 आदमी 15 महिला है तो आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप ध्यान रखें एक दिन में लेके आना है, इनका गुणा करेंगे एक दिन में कितने जाएंगे, तो गुणा नहीं करना है, बस ऐसे रख देना है, ये पुरुष हो गए यहाँ पर इसको रख देंगे 15 × 10 = 20, तो हमारे पास आ जाएगा ये इतना, हम इसको काट लेंगे 20 से 20 कट जाएगा बराबर के, इधर ऊपर की संख्या ऊपर से कट जाती है, 5 × 10 दो बार कटा, 5 3 15 तीन बार कटा, ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया 2 मेन = 3 वुमेन, ठीक है, एमकेडी का इस्तेमाल करेंगे इस सवाल के लिए, MKD, ठीक है, तो सबसे पहले या तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, या तो इसको रख लेंगे या इसको रख लेंगे, जो भी आपको उचित लगे उसको रख लीजिए, ठीक है। अब उसने हमसे बोला 5 पुरुष और 3 महिला है, तो यदि मैं पुरुष लेता हूं तो यहां से मैं पुरुष ले लेता हूं, 10 पुरुष एक काम को 20 दिन में, यदि मैं ऐसे बोलूं
दस पुरुष एक काम को 20 दिन में, क्योंकि 10 पुरुष 20 दिन में करे, महिला लुआ तो महिला लिख सकता था मैं, 20 महिला एक काम को 15 दिन में, चाहो तो मैं महिला से कर सकता हूँ या पुरुष से, पर यदि महिला ली है मैंने तो मुझे पूरे ही महिला में चाहिए, ठीक है। और अगर मैंने पुरुष लिया है, मैंने फिलहाल क्या लिया है पुरुष, अभी हाल मैंने फिलहाल क्या लिया है पुरुष, तो मेरे को सबको पुरुष में चेंज करना पड़ेगा। वो बोल रहा है कि 5 पुरुष, ठीक है, उसने हमसे बोला है कि 5 मेन, ठीक है, 5 पुरुष यानी 5 मेन प्लस 10 महिलाओं को काम पर लगा दिया, 10 वुमेन को काम पर लगा दिया जाए, तो ये कितने दिन में उसको पूरा कर लेंगे, 10 आदमी मैंने पुरुषों में चेंज किए, तो यहां से जो महिला है उसको मुझे हटाना पड़ेगा, तो महिला हटानी पड़ेगी मेरे को, तो बिल्कुल महिला हटाएंगे, ठीक है। तो 3 महिला पर 2 आदमी मिलते हैं, तो 6 महिला पर 4 आदमी मिलेंगे, तो यहां क्या है, और 9 महिला पर 2 आदमी मिलेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि महिला एक बच जाती है, अब एक महिला को हटाने में दिक्कत आ रही है, तो हम यहां पर पुरुष की जगह महिला को कन्वर्ट कर लेते, सॉरी है ना, तो महिला का ले लेते हैं अपन, जहां आपको अगर दिक्कत आ रही है तो आप चेंज कर सकते हैं, 20 महिला को ले लो, 20 महिला एक काम को कितने दिन में, 15 दिन में, तो मैंने टाइम ही चेंज किया, पुरुष की जगह महिला में ले लिया, ठीक है। अब देखो मेरे को 5 चाहिए, 2 पुरुष के बराबर कितनी महिला होती है, 3, तो 2 पुरुष के बराबर 3 होती है, तो 2 पुरुष के बराबर 3, तो 2 पुरुष यदि हटाता हूं तो 3 महिला को लेना पड़ेगा। देखो 2 पुरुष पर 3 महिला मिल रही, अगले 2 पुरुष पर कितनी महिला मिल रही, फिर से 3 मिल रही है, बट यहां पर फिर 1 मेन बच गया है, तो 1 मेन, बात तो वही हो रही है, उधर से भी अपन हटा रहे थे, तो 1 मेन बच गया, तो 1 मेन पर कितनी महिला मिलेगी, 1.5 महिला, 1.5 कर सकते हैं, क्योंकि 2 पर 1 3 मिल रही है, तो 1 पर कितनी मिलेगी, 1.5, तो हम ये 5 मेन हो गए, यदि हम 5 मेन को हटा दे तो कितनी महिला दौड़कर आएगी, 3 और 3 6 और 1.5, ठीक है, 6 7 7.5 आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 10 और 7.5 कितना होगा, 17.5, तो हम क्या लिख सकते हैं, 17.5 महिला आ जाएगा हमारे पास में उसी काम को कितने दिन में, ठीक है। एक सीधा भी बन जाएगा और एक उल्टा भी, एक सीधा भी बन जाएगा और एक उल्टा भी बन जाएगा, ठीक है। तो यहां इसको देखिए, जो एक्स के साथ होता है हमेशा कहा जाता है बटे में, इस बात को ध्यान रखना, तो 20 सही 15 बटे 17.5, तो 17.5 का ये पॉइंट हटेगा तो 0 ऊपर चला जाएगा, हम इसको काट लेते हैं, किससे कट रहा है, 25 से कट रहा है, 25 छंग 150 होता है, 25 7 175, और ये 25 छंग 150, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 120 डिवाइडेड बाय 7, तो 120 डिवाइडेड बाय 7 है आपके पास में, तो हम क्या कर सकते हैं, 7 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 120 डिवाइडेड बाय 7, 7 से काटेंगे, 7 एकम 60, कितना बचेगा हमारे पास में, 5 60 50, तो कितना हो जाएगा, 17 सही 1/7, 17 सही 1/7, जो ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है आपका, ठीक है। एक बार फिर से आप इसको देखिएगा, थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा है, बट जो है अच्छा क्वेश्चन है और बनाना आना चाहिए आपको, ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप देखिए उसको। ये आपको ऑप्शन में क्वेश्चन में मिल रहा है कि 10 पुरुष एक काम को 20 दिन में, ठीक है, ये दिया उसने, 30 महिला उसी काम को 15 दिन में, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आपकी है, तो मैंने कुछ नहीं किया, 1 दिन में पुरुष को लेकर आया, 10 × 20 20 × 15 20 × 15 काटा मैंने, 20 से 20 कट गया, 5 × 2 10, 5 से कटा और 5 × 3 15, तो 2 मेन बराबर 3 वुमेन हो गया। एमकेडी में मैंने प्रोसेस में रखा, महिलाओं को रखा तो भी मेरे पास जो है, पुरुषों को रखा तो थोड़ी सी दिक्कत आई, महिलाओं को रखा तो भी दिक्कत आई, तो मैंने फिर पुरुष से तो कर ही लिया, ठीक है। तो यहां देखिए, महिलाओं को रखा 20 महिला एक काम को कितने दिन में, 15 दिन में। फिर मैंने बोला कि भाई उसने आपको बता रखा है कि 5 मेन और 10 वुमेन चाहिए उसको, वो यदि आप यहां ध्यान रखें कन्वर्ट में, यदि यहां महिला दी है तो आपको ऑब्वियसली महिलाओं के लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा या पुरुष को हटाना पड़ेगा, तो 5 पुरुष को हटाऊंगे और महिला को लूंगे, तो 10 महिला तो ही है, इसको चेंज करने के उससे पहले इसको चेंज करेंगे, 2 मेन के बराबर कितनी महिला है, 3, फिर अगले 2 मेन के बराबर 3 महिला, तो यहां दे रखा ना 2 मेन के बराबर 3 महिला, 2 मेन को हटाओगे 3 महिला आएगी, 2 मेन को हटाया 3 महिला, फिर अगले 2 मेन को हटाया 3 महिला, अब 2 2 4 हो गया, टोटल मेन कितने थे, 5, 1 मेन को हटाएंगे तो कितनी महिला आएगी, 1.5, तो सबको जोड़ दे कितना हो गया, 3 और 3 6 और 1 7, 7.5, तो 7.5, तो मैंने यहां पर लिखा कितना हो गया, 7.5, ठीक है, 7.5 आपके पास आ गया था, 7.5 और 10 कितना हो जाएगा, 17.5, 7.5 5 क्यों हटाए तो 7.5 महिला। अब कोई सोचता है सर आधी महिला कैसे आ सकती है, अरे भैया गणित है वो, गणित के अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, गणित है तो हो सकता है, तो आधी महिला आई, ये बटे बटे में लेता कोई मतलब नहीं आता, तो मैंने 17.5 कर दिया, 17.5 जोड़ दिया, उसको डिवाइड मार दिया, 120 डिवाइड हो गया, तो मेरे पास आ गया 17 सही 1/7, आंसर से मतलब है, ठीक है।
चलो अगला लिखिएगा, 65 के बाद 66। ठीक है दोस्तों, लाइक जरूर कर लीजिए यार, बिल्कुल लाइक करोगे तो मजा भी आएगा। ठीक है, लाइक होने चाहिए, वीडियो देखते हैं 200 300 400 500 लोग और लाइक आते हैं 20 25, मजा नहीं आता यार, बिल्कुल से लाइक करिए आप। ठीक है, लाइक करोगे तो मनोबल बढ़ता है हमारा, हम लोगों का भी। आप किसी भी वीडियो को देखें, सभी वीडियो अच्छे बनते हैं, आप लाइक कर दिया करें बिल्कुल। 65 के बाद देखे 66 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 66 देखिएगा आप, 66 से देखते हैं तो 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। फिर से वही प्रोसेस दोहराने की कोशिश की जा रही है उनके द्वारा कि 10 आदमी किसी काम को, कितने आदमी, 10 आदमी, तो आदमी की जगह मैं बोल सकता हूं मैन, मैन है ना, इंग्लिश में बोल सकते हैं 10 मैन, किसी काम को 5 दिन में कर सकते। देखो 10 आदमी क्या है, 5 दिन में कर सकते हैं, 10 आदमी किसी काम को क्या कर सकते हैं, 5 दिन में कर सकते हैं। काम आरंभ होने के 2 दिन बाद 5 आदमी और उनके साथ काम में सम्मिलित हो गए, तथा काम को पूरा कर दिया, शेष काम को पूरा करने होने में कितने दिन लगे, शेष काम को पूरा होने में कितने दिन लगे। तो सबसे पहले हमको ये निकालना है तो कितने दिन तक व्यक्ति आए, तो पहले तो 1 दिन में लेके आए उनको, तो 5 × 10 कर लेंगे तो कितना व्यक्ति आए, 50। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, पहले 5 × 10, फिर वो बताया कि 2 दिन तक आए थे कितने आदमी, तो रोज कितने आदमी आ रहे, 10, तो 2 दिन तक आए। ठीक है, 2 दिन तक आए तो 2 दिन के बाद व्यक्ति बढ़ रहे, जब से बढ़ रहे या घट रहे, तो 2 दिन तक तो 10 ही आए, तो उनको माइनस कर लेंगे, ये कितना जाएगा 50, माइनस कितना जाएगा 20, 50 माइनस 20 तो कितना हो गया हमारे पास में 30 हमारे पास आ गया। अब 30 आदमी और चाहिए हमको, अब वो बोल रहा है कि 5 आदमी और बढ़ा दिए जाते हैं, तो 5 आदमी और बढ़ा दिए जाते हैं, तो पहले कितने वर्क कर रहे थे, पहले 10, और 5 और बढ़ा दिए कितना हो जाएंगे 15, तो 30 आदमी और चाहिए हमको। एक दिन में आदमी लाए थे 10 दिन तक, 10 आदमी 5 दिन तक आते हैं, तो 10 5 दिन में कितने हो जाएंगे 50, 2 दिन के बाद 5 आदमी और बढ़ाए, तो 2 दिन में कितने व्यक्ति आ चुके थे 20, तो 50 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा मेरे पास 30, तो ये कितना हो गया 10 + 5, क्योंकि 5 आदमी 2 दिन के बाद आ रहे, तो पहले 10 थे, मान लो आप एक रूम किराए से लेकर रह रहे थे, ठीक है, तो आपने 5 दिन का किराया दिया था, ठीक है, 5 दिन का किराया दिया, तो 5 दिन का किराया आप दे चुके हैं, तो आप देखो सॉरी आपने 5 दिन के लिए किराए पर लिया और आप 2 दिन का किराया देंगे, तो 10 × 20 रुपए देंगे आप, बट अब जो व्यक्ति आएंगे, अब कितने व्यक्ति ले रहे, 10 और 5 15, तो 15 मिलकर किराया देंगे ना, कि आप ही देते रहेंगे, उन 5 को फ्री में रखेंगे नहीं, उनको भी लेंगे ना, इंक्लूड करेंगे तो उनको भी करेंगे। तो यहां देखो, अगर आप अकेले रहते तो 10 व्यक्ति अकेले रहते तो 5 दिन में 50 रुपए किराया उनको देना पड़ता, पर 2 दिन के बाद क्या हुआ कि 5 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो 2 दिन तक उनने कितना, 10 ने मिलकर कितना रुपया दिया, 10 × 20, तो 20 माइनस करते हैं, अब टोटल कितना रुपया और देना है 300, तो व्यक्ति बढ़ चुके हैं, कितने हो चुके हैं 15, तो 15 व्यक्ति 30 रुपए को डिवाइड कर लेंगे टोटल किराया निकाल के, तो 15 से डिवाइड कर दे, तो अपना आंसर शेष कार्य पूछा, ये बात हमेशा ध्यान रखें, तो 2 दिन आपका आंसर क्लियर होगा। ठीक है, शेष कार्य का मतलब 2 दिन, तो आपका जो है 66 हो चुका है, 67 66 बार देखिए 67। ठीक है दोस्तों, इजी बढ़िया से क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी आईपीएल चल रहा है, बिल्कुल आईपीएल नहीं देख रहे होंगे आप, ये ऐसा कर सकते हैं आपसे, ठीक है ना, आईपीएल नहीं देख रहे होंगे, क्रिकेट मैच चल रहा है दोस्तों, क्रिकेट मैच देखना अच्छी बात है, बट यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको क्रिकेट मैच अभी नहीं देखना है, आपके एग्जाम क्लियर हो जाए, आपकी जॉब लग जाए, उसके बाद आराम से आप टीवी देखना, कोई मना नहीं करेगा, पर अभी फिलहाल आप जो है बिल्कुल अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने में लग जाइए, आपने जो सपने देखे हैं उनको पूरा करने में लग जाइए, नहीं तो बहुत दिक्कत आने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो देख लीजिए आप अपने हिसाब से कि आईपीएल देखना है कि कुछ बड़ा करना है, ठीक है, कुछ बड़ा करना है या फिर अपने आप को बेरोजगारी की लाइन में खड़ा करना है। ठीक है, हाँ, बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा आपको तो बिल्कुल जो है तैयार रहे, बेरोजगारी भत्ता नहीं लेना है आपको, है ना। राजेश एक काम को 67 देखिए, राजेश एक काम को 20 दिन में कर सकता है, उसने अकेले 10 दिन काम किया, पता शेष काम पवन की सहायता से 2 दिन में पूरा कर दिया, यदि आराम से ही वे दोनों मिलकर काम करते तो काम कितने दिनों में पूरा होता, तो बिल्कुल जो है राजेश एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 2 दिनों में कर सकता है, तो सॉरी 20 दिन में कर सकता है, राजेश कितने दिन में करता है 20 दिन में कर सकता है, उसने अकेले 10 दिन तक काम किया, मतलब 10 दिन वर्क कर चुका है अकेले किया 10 दिन तक, तो कितना वर्क और बच गया होगा, 20 में से 10 हो चुका है तो कितना बच गया होगा, 10 दिन शेष बच गए होंगे,
शेष आपका बचा हुआ 10 दिन, ठीक है। अगर राजेश 10 दिन और कर दे तो उस काम को क्या कर देगा, फिनिश करा देगा, ठीक है। तथा शेष काम पवन की सहायता से 2 दिन में पूरा किया गया। तो ये 10 दिन का काम अगर वो पवन को लगा ले, राजेश और पवन, राजेश प्लस पवन, तो ये 10 दिन का काम वो कितने दिन में कर देंगे, 2 दिन में कर देंगे, ठीक है। कितने दिन में कर देंगे, 2 दिन में। 10 दिन का काम उनके द्वारा किया जाएगा 2 दिन में। तो 10 दिन का जो राजेश का काम अकेले का राजेश अगर करे तो 10 दिन में, पवन को साथ में ले तो 2 दिन में। तो 10 दिन का काम पवन के साथ में 2 दिन में कर ले, तो 20 दिन का काम कितने दिन में करेगा, ऑब्वियसली 4 दिन में। भाई 10 दिन का काम कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में। तो इसका आधा कार्य था, मतलब टोटल 20 दिन में कर रहा है, 10 दिन तक किया तो आधा कर दिया होगा, मतलब ये आधा कार्य कितने दिन में कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर जो राजेश का आधा बचा था उसको वो 2 दिन में कर रहे। तो राजेश का पूरा काम दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में। मतलब 10 दिन का काम 2 दिन में, तो अगले 10 दिन का फिर 2 दिन में, तो दोनों मिलकर 4 दिन में कर लेंगे टोटल 20 दिन का। तो देखिए राजेश का 20 दिन का काम, मतलब ये राजेश जो है, राजेश अकेला करेगा तो 20 दिन में करेगा, और राजेश प्लस पवन करेंगे तो उसको 4 दिन में करेंगे। अब देखो यहां क्या बोल रहा हूं, ये दोनों मिलकर काम को करते तो काम कितने दिनों में पूरा होता, तो ऑब्वियसली उसने पूछा था 4 दिनों में, तो दोनों मिलकर करते तो अपना आंसर क्या हो गया, 4 दिन आ जाएगा 4। ये आंसर है आपका, क्लियर होगा आपको, ऑप्शन नंबर आपका क्लियर हो रहा होगा, तीसरा नंबर का ऑप्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको, तीसरा ऑप्शन आपके पास होगा। अगला देखिए आप 68 देखें, ट्रिकी मैथमेटिक्स जो है पूरी होने जा रही है आपकी, 100 क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। 68 नंबर के क्वेश्चन पे पहुंच गए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, बिल्कुल जो है आप बने रहे इसके साथ में, और जो है इसके अंदर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न ही दिए गए हैं, तो बिल्कुल आप उसको करिए। 68 देखिएगा, प्रभास अमिताभ किसी काम को अकेले, प्रभास करता है 8 दिन में, अमिताभ करता है 4 घंटों में, सॉरी दिन नहीं है, 4 घंटे, ये 8 घंटे और ये 4 घंटे, ठीक है, घंटों में कर सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर काम की शुरुआत करें तो काम कितने घंटों में पूरा होगा, यदि दोनों मिलकर शुरुआत करें तो काम कितने घंटों में पूरा होगा, तो ऑब्वियसली इसका आंसर 9 of 10 है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें, इसका आंसर 9 of 10 आएगा। तो दोनों का एलसीएम हम ले लेंगे, प्रभास 8 घंटे में करता है, अमिताभ 4 घंटे में, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 8, 8 से इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 4 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम, 2 टाइम, तो 8 टोटल वर्क कितना है आपके पास, 8 टोटल वर्क कितना है, 8, तो 1 डे में वर्क हो रहा 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करो, 3 से यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 × 3 = 6, 2 = 2/3 दिन या घंटे, जो भी बोले, दिन बोले तो दिन और घंटे बोले तो घंटे, तो घंटे बोला था तो हम घंटे लिख देंगे, ठीक है। तो अपना आंसर आ गया है, चेक कर लीजिए आप उसको, पर 9 of 10 से आप चेक नहीं कर पाएंगे, ऑप्शन में आपको नहीं मिल रहा होगा, तो बिल्कुल जो है 9 of 10 इसका आंसर है, 5वां जिसको बोल सकते हैं, 5वां आंसर, ठीक है। तो 2 से 2/3, ठीक है, 2 से 2/3। 68 के बाद देखिए कौन सी था, आज बहुत इजी मजा आ रहा होगा आपको आज, बिल्कुल 68 के बाद देखिए 69 नंबर का प्रश्न, 69 लिखेगा, 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में, 3 आदमी 68 के बाद 69, 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, उनके काम शुरू करने के 2 दिन बाद 3 आदमी और उनके शामिल हो गए। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन दिए, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट बनता है एग्जाम्स में, तो बिल्कुल इसको कर लीजिएगा, 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो 3 आदमी × 6, 3 × 6, रोज 3 आदमी आ रहे हैं, तो 6 दिन तक आएंगे तो कितने आदमी आएंगे, 18, ठीक है। अब आपको देख रहे हैं कि उनके काम शुरू करने के 2 दिन बाद 3 आदमी और उनके साथ शामिल हो गए, शेष काम को करने में कितने दिन और लगेंगे, तो बिल्कुल कितने शेष काम निकालना है सबसे पहले, 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद 3 और आ रहे, तो रोज पहले तो 3 लगे होंगे ना, तो 3 × 6, ठीक है, पहले आ रहे थे 3 आदमी रोजाना आ रहे थे किसी काम को जो है 6 दिनों में कर रहे थे, तो 3 × 6, फिर उसमें मिला 2 दिन बाद 3 आदमी और आ जाते, तो 2 दिन तक तो वर्क किया होगा इन 3 ने, आदमी कितने थे पहले 3, तो 2 दिन तक पहले वर्क किया होगा, तो कितने आदमी हो गए, 1 दिन में कर लेते हैं 6, तो कितना हो गया ये 18 - 6। अब वो हमसे बोल रहा है कि 2 दिन बाद 3 और आ जाते, पहले कितने आदमी थे, पहले फर्स्ट में आदमी थे, पहले आदमी थे 3,
और बाद में आए प्लस बाद में आए, बाद में आए तो बाद में कितने आए तीन, तीन और तीन कितने हो गया छह। तो अब काम कितना बचा शेष, छह काल तो ये कर चुके थे मतलब छह आदमी का काम ये कर चुके थे, अब बचा कितना है बारह। तो बारह बचा है मेरे पास, छह माइनस के लिए बारह, तो बारह बटे क्या करेंगे इनको जोड़ देंगे हम, कितना आ जाएगा छह, तो बारह बटे छह, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा छह से कट जाएगा कितना हो जाएगा छह कम छह दिन बारह, तो हमारे पास आ जाएगा दो दिन, दो दिन हमारा आंसर आ जाएगा कि शेष काम को करने में दो दिन और लगेंगे। अगर वो बोलेंगे पूरा काम तो दो दिन पहले हो चुके थे, दो और दो चार हो जाएंगे ठीक है। अगर शेष पूछे तो केवल आप शेष पाएंगे, और अगर पूरा पूछे तो आप पूरा लेके आएंगे। आप देखिए 69 के बाद सितर, सितर नंबर का प्रश्न ठीक है दोस्तों, सितर देखिएगा किस टाइप से हम सितर वाला करने वाले हैं बड़ी आसानी से। सितर 40 मजदूर किस दीवार को 28 दिन में बना सकते हैं, तो दिन में बनाना हो 28 दिन में बना सकते हैं, 35 दिन में बनाना हो तो कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो देखिए आप यहां से 40 मजदूर किसी दीवार को कितने दिन में बना सकते हैं, 28 दिन में बना सकते, तो 40 मजदूर किसी दीवार को, तो एमपीडी ले सकते हैं सितर में, सितर में देखिए एमपीडी का अपन यूज कर सकते हैं एम ए ओ डी। तो यहां देखिए आप 40 मजदूर एक दीवार को कितने दिन में बना रहे, 28 दिन में, 40 मजदूर किसी दीवार को 28 दिन में बना सकते हैं। यदि दीवार को 35 दिन में बना लो, 35 दिन में बनाना हो तो कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, एक सीधा भी यहां पर बना लिख देंगे वही दीवार है, दीवार को बनाने का काम है एक उल्टा भी, तो ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 40 × 28 डिवाइडेड बाय 35 ठीक है, इससे हमारा कट जाएगा 535, 540, 728, 432 हमारा आंसर आ जाएगा 32 व्यक्ति आ जाएंगे, क्योंकि घंटे तो दे रखे थे उसने, 35 दिन दे रखे थे, दिन दे रखे थे, तो हमारा क्या आएगा व्यक्ति आदमी ठीक है, मजदूर चाहिए 32 मजदूर आ जाएगा आपका, ये आपका था एमपीडी। और मैंने बोला था यदि काम एक दिया हो, यदि काम एक दिया हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो यह मैंने डायरेक्ट बताया था कि 40 × 28 काम एक होना चाहिए बस, काम आपका अगर दिया है 10, 15, 20, 25, 300, 400 तो फिर आप एमपीडी से जमाने ज्यादा इजी पड़ेगा। 40 आदमी एक काम को 28 दिन में कर सकते हैं, तो कितने आदमी 35 दिन में करेंगे, तो 35 डिवाइड कर दो ठीक है ना। चलो यहां से देखते हैं ना, चल रहा हूं 71 प्रश्न आपका, खुशबू नया तथा छाया मिलकर एक काम को 16 दिन में कर सकती है, यदि खुशबू तथा नया मिलकर उस काम को 24 दिन में कर सकती है तो छाया अकेली उस काम को कितने दिन में करेगी। इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए आप ठीक है लाइटिंग देख लेना, 16 दिन में कर सकती है खुशबू, नेहा और एक और एक छाया, ये जो है तीनों, ये तीनों मिलकर कितने दिन में कर रही है 16 दिन में, ये तीनों मिलकर कर सकती है 16 दिन में, पर वो बोल रहा है खुशबू तथा नेहा, खुशबू तथा नेहा इसे 24 दिन में कर सकते हैं, 24 दिन में कर सकते हैं, तो छाया अकेली कितने दिन में करेंगे। तो यदि मैं खुशबू को इससे माइनस कर दूं और नेहा को इससे माइनस कर दूं तो मेरे पास कौन बच जाएगी, छाया, तो ऑब्वियसली मैं सबका एलसीएम ले लेता हूं ठीक है, वो सब मतलब छाया के लिए कितने दिन में करेगी, तो सबका एलसीएम ले ले ठीक है, एलसीएम आपके पास हो जाएगा कितना 16, 24, 48, 16 से कटके कितनी बार 3 times, 24 से कटके कितनी बार 2 times, तो हम देख रहे हैं इन दोनों को माइनस कर ले, क्योंकि वो क्या बोल रहा है तो खुशबू और नेहा की बात कर रहा है, तो खुशबू और नेहा हट जाएगी, तो नीचे वाला क्या है खुशबू और नेहा है, तो 2 − 3 तो 48 टोटल वर्क कितना है 48, तो टोटल वर्क 48 इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये खुशबू और नेहा हट जाएगी, तो 3 में से 2 गए तो कितने बचे 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 48 दिन ठीक है। दिन दिया तो दिन आ जाएंगे, घंटे दिए तो घंटे आ जाएंगे ठीक है, उसमें दिया कि दिन दिया था तो दिन में आंसर आ जाएगा आपका 48 दिन। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको बताया हुआ है पहले पिछले चैप्टर्स में, यदि आप एलसीएम से नहीं करना चाहते, माइनस में आपको ध्यान रखना है, माइनस नहीं करना चाहते एलसीएम से, तो आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a − b, एक तरीका और है आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खुशबू नेहा, खुशबू नेहा ये माइनस हो जाएगा, ये तीनों को ए मान लो, इन तीनों को बी मान लो, माइनस कर लो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। 16 × 24 ठीक है, 16 × 24 हो जाएगा डिवाइडेड बाय माइनस हो जाएगा 16 − 24 कितना हो जाएगा 16 − 24 तो 8 आ जाएगा, तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं 16 × 24 ये स्टेप की जगह ये स्टेप रख देंगे, ये 3 बार कट जाएगा 8 × 24 16 × 48 डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 48। इससे भी आप कर सकते हैं, एलसीएम से भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे आप उससे कर सकते हैं, बजाय अगर मेरी बात माने तो आप इस तरीके का इस्तेमाल करा करें उसमें, किसमें जब माइनस करना हो ठीक है, तो क्लियर होगा आपको। 71 के बाद देखते हैं दोस्तों 72 ठीक है, आगे बढ़ता जा रहा है वीडियो, एक के बाद एक क्वेश्चन करते जा रहे हैं, आप बस एक के बाद एक लाइक करते जाइए और कमेंट्स करते जाइए तो पता चलता रहे हमें।
72 एक नल एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। इजी प्रश्न, नल और पाइप टंकी, अगर ये चैप्टर आपका क्लियर होता है तो बिल्कुल वो भी आपका क्लियर होगा। एक नल तो मैं ए मान लेता हूं, ए नल 15 मिनट में भर सकता है, कितने मिनट में, 15 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा नल 10 मिनट में भरता है, तो दोनों क्या है, भरने वाले नल, तो दोनों भरने वाले नल है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 30, 30 हो गया मेरे पास में, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 14 मिनट में भर जाएगी, तो 15 से डिवाइड करते कितना होता है 2, 10 से डिवाइड करते कितना होता है 3, तो वन डे का वर्क, वन डे में कितना वर्क कर रहे हैं ये 2 करता है और ये कितना है 3 करता है, तो ये 2 करता है और ये 3 करता है, 10 से डिवाइड होगा तो 3 टाइम डिवाइड होगा, ठीक है, तो इसका कहने का मतलब वन डे वर्क आ रहा है 2, 3, 5, तो ये कितना हो जाएगा टोटल वर्क कितना आपके पास 30 वर्क के टोटल, तो 30 बटे कितना हो जाएगा 3, 2, 5, 5 हो जाएगा हमारे पास में, तो 5 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दिन, ठीक है 6 डे आपका आंसर आ जाएगा। अगर उसने मिनट बोला है तो मिनट में दे देना, घंटे बोला है तो घंटे में बोलेना, तो अभी उसने मिनट बोला था इसलिए हम मिनट का तो बोल देंगे इसको, ये मिनट है, ठीक है, कितना हो गया 30/5, तो आपके पास आ जाएगा 30/5 का 6 मिनट। देखिए दोस्तों 73 नंबर का प्रश्न, 73 देखिएगा, 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो 45 से 16 कर देंगे, और उनके बोला काम आरंभ करने के 6 दिन बाद 30 आदमी और शामिल हो गए, तो 6 दिन बाद हुए तो 45 आदमी कितने दिन तक आए होंगे, 16 दिन में कर सकते हैं तो 6 दिन तक तो आए हो 45, तो 45 इंटू कर देंगे, ठीक है, पूर्व आदमी प्लस बाद आदमी 6 दिन बाद, ठीक है, तो पूर्व में कितने थे 45, 6 दिन बाद कितना है 30, तो अब टोटल व्यक्ति हो जाएंगे हमारे पास में 0 इसमें ऐड होगी तो 5 और ये हो जाएगा 7, तो टोटल व्यक्ति हो जाएंगे हमारे पास में 75, ठीक है, अब हमारे पास व्यक्ति हो जाएंगे 75, और हमें क्या करना है 45 में 16 का इंटू करना है, 16 5 80 के 0, 8 6 16 64 और 8 72 720, 6 7 इंटू कर देंगे इसके अंदर 5 6 30 की 0 माइनस किया क्योंकि 6 दिन तक 45 हो जाए होंगे 0 और ये 6 6 24 5 6 30 की 0 हुई थी 3 6 6 24 और 3 27 270 है आपके पास में। अब वो हमसे बोल रहा है कि इनको माइनस कर देंगे तो अब टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे 45 और 30 75, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए दोस्तों पीछे अपन ने, अगर पूरा वीडियो आपने देखा है तो आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा, ठीक है, तो ये माइनस कर लेते हैं इससे 0 की 0 7 में एक ही तरह से ला जाएगा, तो 12 में से 7 गए तो कितने बचे 5 और 6 में से 1 गए तो कितने बच गए 5, ठीक है, 6 में से यहां देखो 7 0 की 0 आ गई, 12 में से 7 गए कितने बचे 5 और 6 में से 2 गए कितने बचे 4, तो कितना जाएंगे 450, ठीक है 450 आपका जो है क्लियर होगा। अब यहां व्यक्ति कितने वर्क कर रहे हैं 75, तो 75 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है 75 से डिवाइड हो जाएगा, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर ले 15 से, 15 5 75 15 3 45, तो कितना हो गया हमारे पास 30 हो गया, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा कितना हो जाएगा 6, तो 6 दिन आपके पास क्लियर होगा, ठीक है 6 दिन आपका आंसर आ रहा होगा, इसका आंसर 72 का आंसर है 6, जो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड मैच कर रहा है, ठीक है सॉरी 6 नहीं है 70 हाँ 73 है, 72 का भी 6 आया था और इसका भी 6 है, इसका ऑप्शन है 6, ए ऑप्शन से आपका, ठीक है एक बार फिर से समझ लीजिए 45 दिन तक 16 व्यक्ति रोज काम कर रहे हैं, तो मैं 45 दिन 16 एक दिन में लेके आ जाता हूं, उनको एक दिन में कितने व्यक्ति चाहिए मुझे 720 और 6 दिन के बाद 30 आदमी होना थे, तो 6 × 45 तो 6 × 45 किया तो कितना हो गया हमारे पास में 270, 270 क्यों माइनस कर रहे हैं कि इतने आदमी आ चुके हैं, इतना वर्क हो चुका है कहने का मतलब, तो इतने आदमी का काम हो चुका है तो इतने माइनस करते हैं तो 450 बचा, अब काम करने के लिए उपलब्ध व्यक्ति हमारे पास 45 पहले के और 30 अभी के, तो 75 व्यक्ति है, तो 75 से इसको डिवाइड करते हैं तो 6 दिन में ये वर्क फिनिश कर देंगे, ठीक है 73 के बाद देखिएगा 74 नंबर का प्रश्न, 74 देखिए दोस्तों 74 कैसे करेंगे, 74 देखें 15 पुरुष एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, कितने पुरुष है 15 पुरुष एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो 15 × 10 क्योंकि ये पुरुष है, या फिर मैंने पहले बताया था आपको ऐसे कर लेते कोई दिक्कत नहीं, पहले क्वेश्चन लिख लेते 15 में यानी 15 पुरुष एक काम को कितने दिन में करें 10 दिन में, ठीक है इससे पहले कर चुके हैं 20 महिला उसी काम को, 20 महिला उसी काम को 15 दिन में,
15 दिन में कर लेते हैं। 10 पुरुष तथा 10 महिलाएं मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे? 10 मैन प्लस 10 वुमेन बराबर इसे कितने दिन में? तो सबसे पहले तो काम कितने दिन में पूरा होगा, मिलकर काम शुरू करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो बिल्कुल आप देखें, 15 पुरुष एक काम को 10 दिन में, 20 महिला 15 दिन में। तो सबसे पहले तो 1 डे में लाना पड़ेगा, तो 1 डे लाए तो कितना देगा? ये पुरुष है, ये पुरुष है, तो कितना हो गया 15 × 10, मतलब रोज 15 व्यक्ति आएंगे 10 दिन में, कितना जाएंगे? इतने। फिर इधर ले लेंगे महिला, तो महिला हम ले लेंगे ऐसे, तो कितना हो जाएगा? महिला 20 महिला रोज आ रही तो 15 दिन तक, तो 15 × 20 × 15 हो जाएगा। तो काट लेते हैं इसको यहां से, 0 0 कट जाएगी, 15 से 15 कट जाएगा, मतलब 1 मैन बराबर क्या हो जाएगा? 1 मैन बराबर हो जाएगा 2 वुमेन, ठीक है। मतलब एक आदमी हटाएंगे तो 2 महिला को लेना पड़ेगा, और 2 महिला हटाएंगे तो 1 आदमी को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां देखिए, या तो मैं पुरुष ले लूं या महिला ले लूं, तो मैं यहां से एमकेडी जमा लेता हूं, एम के और बी, इसी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं। यहां तक एक बार फिर से समझ लीजिए, 10 आदमी और 10 औरतें मिलकर उसे कितने दिन में करेगी? तो पहले मैं एक दिन में ले आऊं, 15 × 10, 15 × 10, 20 × 15, क्योंकि वर्क वही है, पुरुष करेगा तो भी वही वर्क करेंगे, महिला करेंगे तो भी वही करेंगे, मतलब दोनों बराबर वर्क कर रहे हैं, पुरुष भी बराबर और महिला भी बराबर, तो दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो 15 और 10, तो यहां हो जाएगा आपका 15 10, इसको ले लेंगे अपन, कितना हो जाएगा? 20 और 15, तो 1 मैन प्लस 2 वुमेन, ठीक है। तो हम एमकेडी ले लेते हैं, एमकेडी लगा दे, तो 15 आदमी एक काम को 10 दिन में। यदि मैं पुरुष में चेंज कर लू, पुरुष में चेंज कर रहा हूं, तो यहां से पुरुष में मैं यदि चेंज कर रहा हूं, तो यहां से भी मुझे वुमेन हटानी पड़ेगी, ठीक है, पुरुष में लेना पड़ेगा। तो 15 आदमी एक काम को कितने दिन में? 10 दिन में, ठीक है। तो 20 महिला उसी काम को कितने दिन में, ऐसा बोला था उसने, पहली इक्वेशन थी और ये दूसरी इक्वेशन थी, तो कोई भी एक इक्वेशन ले सकता हूं, ये ले ली तो मुझे ये लेने की आवश्यकता नहीं, फिर मुझे ये लेना है, ठीक है। तो मेरे को, मेरे पास क्या है, पुरुष लिया तो 10, ये तो मैन में है, तो ये कितनी वुमेन है, वुमेन है 10, तो मुझे वुमेन को हटाना है, तो 2 वुमेन को हटाता हूं तो 1 आदमी लेना पड़ेगा, मतलब 2 महिलाओं के बराबर 1 आदमी काम करता है, तो 2 वुमेन को हटाओ तो 1 आदमी आएगा, तो 2 पर कितने आ रहे, 2 पर 1 आ रहा है, तो अगले 2 पर फिर 1 आएगा, तो ऐसे करके 2 2 2 2 पर 1 2 पर 1, तो 2 पर 1 2 पर 1 2 पर 1, 2 2 4 2 3 6 2 4 2 5 10, तो 10 पर कितना आएगा, जस्ट वहां पर आएगा 5 मैन आ जाएगा, तो मैं 10 की जगह क्या लिख सकता हूं, 5 मैन, तो 5 मैन आपके पास है, 5 मैन, तो कितना हो जाएगा, 5 और 10 15, 5 और 10 15, तो कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 15 औरतें उसी काम को कितने दिन में, सॉरी 15 मैन उसी काम को कितने दिन में, तो कितने दिन में, तो ये सीधा भी और एक उल्टा भी, तो कितना हो जाएगा, एक्स के साथ जो संख्या होती बटे में आती है, तो 15 × 10, 15 डिवाइडेड बाय आ जाएगा, 15 से कट जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 10 दिन, तो वापिस हमारा आंसर आ जाएगा 10 दिन, वो का वही ऑप्शन और वो का वही आंसर आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 15 आदमी 10 दिन में कर रहे, तो ऑब्वियसली 15 आदमी 10 दिन में ही करेंगे, ठीक है। 74 के बाद देखिए 75 नंबर का क्वेश्चन, 75 क्या बोल रहा है, 16 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 24 लड़के उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, 12 आदमी और 8 लड़के मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, और 8 दिन के बाद और 3 लड़के कार्य में शामिल हो जाते हैं, तो शेष काम बचे काम को वे कितने दिनों में शामिल कर देंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 16 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 16 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते, 16 में पुरुष की बात कर रहा है, और घबराने की आवश्यकता नहीं, क्वेश्चन बड़ा इजी है, ठीक है, 12 दिन में कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ये बता दू, 16 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर रहे हैं, पहली क्वेश्चन, फिर वो बोल रहा है कि 24 लड़के उसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं, तो 24 बॉय, बॉय की बात कर रहा है, 24 बॉय, बॉय मीन्स लड़के, लड़के 24 लड़के उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 24 लड़के उसी काम को कर रहे हैं 18 दिन में, ठीक है, 18 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, 24 लड़के उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में कर रहे हैं। यदि 12 आदमी और 8 लड़के मिलकर कार्य आरंभ करें और 8 दिन के बाद 3 लड़के और शामिल हो जाए, तो 3 लड़के और शामिल हो रहे, तो हमको क्या करना है, ये जो 12 आदमी और 8 लड़के काम कर रहे हैं, पहले तो इनको अनुपात में लेते हैं, आदमी को हटा देंगे, लड़के को ले लेंगे, ठीक है, ये क्या हो गया 16 × 12 का लेंगे हम, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये पुरुष है तो पुरुष को क्या कर लेंगे हम यहाँ पर, और ये लड़के हैं तो लड़के को ले लें अनुपात में, तो ये लड़के का अनुपात हमारे पास में कितना हो गया, 24 × 18, 24 × 18 हमारे पास में, तो हम काट लेंगे इसको, 12 से कट के 12 का 12 12 2 24, 2 बार कटा, 2 से कट के कितनी बार 8 बार, ठीक है, मतलब 8 पुरुष बराबर 18 लड़के हो रहे हैं, अभी भी और कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 4 बार,
तो चार पुरुष चार मेल बराबर कितने हो रहे, 2 × 18 9 बॉय, ठीक है लड़के हो रहे 9 हो रहे बॉय हो रहे, तो 9 मेल बराबर कितने हो रहे 9 बॉय, ठीक है 9 बॉय, ठीक है दोस्तों। अब देखो अब क्या बोला उसने, अब देखो मैंने कुछ नहीं किया, एक दिन में लेके आया हूं 12 × 16 या 16 × 12, ये पुरुष है ये लड़के हैं, तो मैंने उसको काटा पीटी कर दे, चार मेल बराबर कितने हो गए 9 बॉय मैं लेके आया हूं, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है यदि 12 आदमी और 8 लड़के मिलकर काम आरंभ करें, तो 12 आदमी और 8 लड़के मिलकर काम आरंभ करें, तो 12 में प्लस 8 बॉय मिलकर कार्य आरंभ करें, तो 12 बॉय और 8 सॉरी 12 आदमी और 8 बॉय मिलकर कार्य आरंभ करें और 8 दिन के बाद 3 लड़के और शामिल हो जाए, तो सबसे पहले मैं आदमी को हटा देता हूं क्योंकि लड़के बाद में शामिल हो रहे थे, तो आदमी को हटाना ज्यादा उचित रहेगा। तो 12 आदमी मेरे को हटाना है, तो 4 आदमी हटा दो तो कितने बॉय आते हैं 9, तो 4 आदमी हटाने पर 9 आ रहे, तो अगले 4 पर फिर 9 और अगले 4 पर फिर 9, तो कितने आ जाएंगे बॉय 27, तो 12 को हटाने पर कितना आएंगे 27, तो मैं क्या कर सकता हूं 27 प्लस 8 बॉय, ठीक है तो 27 और 8 कितने जाएंगे मेरे पास 7, 7 14 1 15 1 2 और 1 3, टोटल मेरे पास आ जाएंगे 35, ठीक है 35 बॉय वर्क को शुरू कर रहे हैं ऐसा मैं बोल सकता हूं, 35 बॉय वर्क को शुरू कर रहे हैं, ठीक है यहां तक एक बार फिर से समझे, ये है पुरुष ये है लड़की, पुरुष और लड़के का अनुपात आया 4:9 का, 4 आदमी को हटाने पर 9 लड़के को लिया जाता है या 9 लड़के को हटाने पर 4 आदमी को लिया जाता है, तो ऑब्वियसली यहां देखिए 12 आदमी को हटाने पर 4 को हटाने पर 9 आ रहे हैं, 4 को हटाने पर 9 आ रहे हैं, 4 को हटाने पर 9 आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे लड़के शामिल हो रहे हैं इसलिए लड़कों को हम ले लेंगे, तो कितना गया 9 × 3 = 27, तो 27 और ले लिए 12 को हटाने पर, तो 27 बॉय और 8 बॉय टोटल हमारे पास आ गया 35 बॉय, वो हमसे बोल रहा है कि 35 सॉरी 12 आदमी और 8 लड़के मिलकर कार्य आरंभ करें और 8 दिन के बाद 3 लड़के और शामिल हो जाए, तो शेष बचे काम को भी कितने दिन में करेंगे, तो सबसे पहले हम देखें इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे, ठीक है 35 बच्चे आ ही रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, टोटल कितने लड़के चाहिए मेरे को 24 लड़के 18 दिन तक काम करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा टोटल लड़के कितने मुझे चाहिए, ठीक है यहां देखो 24 × 18 ये बॉय है टोटल बॉय BOY बॉय, तो कितने हो जाएंगे 18 का इंटू कर दू 18 कितना होता है 18 × 36 18 × 54 18 × 72 72 कितना आ जाएगा मेरे पास 2 कितना बचा 7 18 × 36 36 और 7 6 × 42 44 432 432 टोटल बॉय चाहिए मेरे को 432 चाहिए, मतलब ये 432 बच्चे क्या करेंगे काम को फिनिश कर देंगे, ठीक है एक दिन में लेके आ गया सबको 35 बॉय रोज आ रहे हैं 35 बॉय रोज आ रहे हैं, तो बॉय रोज आ रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा 8 दिन तक तो लगातार ये आए हुए, तो 8 का इंटू कर देंगे, ठीक है क्योंकि वो शेष काम पूछ रहा है, तो 432 माइनस इतना तो 5 × 8 = 40 की शून्य, ठीक है 4 बचे 8 × 24 = 4 = 28 280 जिसको हम माइनस कर लेंगे इसके अंदर से 432 और 280 आएगा इसको माइनस करने पर, ठीक है 152 आ गया, तो अब कितने बच्चे थे 35 तो पहले लग रहे थे और 3 और अभी आ रहे हैं, तो 35 और 3 कितना हो जाएगा 35 और 3 38 हो जाएगा, 3 बाद में आए ना 8 दिन के बाद 8 दिन बाद 8 दिन बाद कितने हो रहा है 3, तो 3 और जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 38, तो हम इसको 38 से काट दें 38 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 4 बार 38 × 152 तो हमारे पास आ जाएगा 4, अगर दिन में दिया तो दिन दे देंगे दिनों में कर देंगे तो 4 दिन, थोड़ा लंबा जरूर हुआ है पर स्टेप बाय स्टेप उसको करना पड़ेगा दोस्तों, इस टाइप से ही है इसके अलावा कोई शॉर्ट नहीं है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही उसको घुमाना पड़ेगा आपको क्वेश्चन को और इजी वे में आएगा, ठीक है फिर से आप चेक कर लीजिए एक बार, फिर से मैं आपको बता देता हूँ इसको बताने से पहले एक बार मैं आपको समय देता हूँ, ठीक है ये वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और सिलेक्ट करके आप उसे जो है सेंड कर दीजिए, ठीक है और यदि अभी तक आपने वीडियो को देखने के बाद में कमेंट्स नहीं किया है और कुछ नए बच्चे जुड़े हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल दोस्तों आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको प्रत्येक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना चाहिए, तो बिल्कुल सभी को लाइक और सब्सक्राइब करिए, सभी लोग आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों और हम लोग भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि गरीब बच्चों की हेल्प करना, गरीब बच्चों तक यहाँ से सुविधाएं पहुंचाना, हमारी शिक्षा उन तक पहुंचे और वो जो है एग्जाम क्लियर करें, तो बिल्कुल जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसको सिलेक्ट करके अपने स्टूडेंट ग्रुप में सेंड कर दीजिए।
2 मिनट का समय देता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से हम इसको चेक कर लेते हैं कैसे हमने किया है। तो देखिए आप, 16 पुरुष एक काम को 12 दिन में करते हैं, ये तो उसने क्वेश्चन में दिया है। 24 लड़के एक काम को 18 दिन में करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 थी। उसने बोला था 12 मेन और 8 बॉय उसे कितने दिन में करेंगे। ठीक है, काम पर लगाए जाते हैं 12 मेन और 8 बॉय काम पर लगाए जाते हैं और 3 दिन बाद कुछ होता है। ठीक है, 8 दिन बाद 3 लड़के आते हैं। तो फिलहाल हम देखें, पहले तो हम इनका अनुपात ले रहे हैं, कितने पुरुष बराबर कितने लड़के। तो हम इनको काटा पीटी करके यहां से यहां तक लेकर आए, तो 4 मेन बराबर कितने लड़के, 9 बॉय। 4 मेन बराबर कितने लड़के, 9 बॉय। 4 मेन बराबर 9, तो मेरे को यहां से मेन को हटाना पड़ेगा क्योंकि बाद में भी लड़के शामिल हो रहे हैं, तो मैं मेन को हटा दूं ज्यादा इजी वो पड़ेगा। तो 12 मेन को हटाता हूं, तो 4 अटैन पर 9 आते, 4 अटैन पर 9, 4 अटैन पर 9, दोनों दिया कितना ज्यादा, 27 बॉय प्लस 8 बॉय। तो ये 27 बॉय प्लस कितना बॉय, 8 बॉय, 8 बॉय। तो ये सब जुड़ जाएगा तो कितना जाएगा मेरे पास, 27 और 8 यदि जोड़ देता हूं तो टोटल मेरे पास आ जाएगा 35 बॉय। तो अभी फिलहाल मेरे पास 35 बॉय लग रहे हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मेरे पास 35 बॉय है टोटल, ऐसा मैं मान सकता हूं कि उनको काम शुरू करना है। तो फिलहाल पहले मैं ये कर लेता हूं, एक दिन में कितने लड़के चाहिए, तो 24 लड़के एक काम को 18 दिन में करते हैं, टोटल व्यक्ति कितने चाहिए लड़के, 24 432 चाहिए मेरे को। अब 8 दिन तक 35 ने काम किया सबने मिलकर, तो 8 दिन तक 35 ने काम किया तो कितना हो गया मेरे पास में, यहां पर आ गया मेरे पास 280 में माइनस करता हूं 152 आ जाता है।